आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूँ सो अपन लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे उसको एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं जितने भी ऑनलाइन के बच्चे हाई कैसे वो बच्चे हाई मनोज कुमार गुड मॉर्निंग खुशबू गुड मॉर्निंग भगत गुड मॉर्निंग प्रियांशु स्वप्निल मनोज देवेंद्र निखिल फैजान फैजान आ गया या सो फैजान आ गया बोलता है कितने भी किम टैक्सीबल होगी यानी तो फैजान गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलिए तो हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर देते हैं उसके बाद हम आगे पढ़ना चालू करेंगे तो लास्ट लेक्चर में हमने जितना अभी तक तो पढ़ा ना टैक्स रेट से पूरा रिवाइज कर लेते हैं ठीक है मेरे साथ साथ तुम लोग रिवाइज करोगे मजा आ जाएगा तुमको ठीक है चलिए या तो हम पढ़ रहे हैं टैक्स रेट फॉर द असेसमेंट ईयर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव असेसमेंट ईयर

उसके बाद में हम बात करते हैं सुपर सीनियर सिटीजन जो सुपर सीनियर सिटीजन रहता है ना उसका मतलब होता है रेजिडेंट आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन के केस में सरचार्ज भी लगता है अब ये सरचार्ज कितना लगता है कैसे लगता है तो सरचार्ज लगता है अगर आपकी इनकम 50 लाख तक ही है तो नहीं लगेगा टोटल इनकम अप टू फिफ्टी लैक है तो नहीं लगेगा बट फिफ्टी लैख से ज्यादा है अपटू वन करोड़ तक है तो सरचार्ज कितना एड करने का टेन परसेंट वन करोड़ से ज्यादा अप टू करोड़ है तो फिफ्टीन परसेंट अगर टू करोड़ से ज्यादा अप टू फाइव करोड़ है तो ट्वेंटी फाइव परसेंट और अगर फाइव करोड़ से भी ज्यादा है तो थर्टी सेवन परसेंट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एड करने का फोर परसेंट तो जो टैक्स आता है उसमें सरचार्ज एड करने का अगर लगता है तो और उसमें फिर एड करने का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस उसके बाद हमने बात की थी कि कंपनी के, के केस में टैक्स रेट क्या लगती है तो अगर मैं कंपनी की बात करूं बाबू तो कंपनी के केस में दो तरह की कंपनी होती है एक तुम्हारी डोमेस्टिक कंपनी है और एक फॉरन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी के केस में अगर प्रीवियस ईयर 21-22 का टर्नओवर अप टू 400 करोड़ है मीन 400 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो टैक्स रेट रहेगा 25 परसेंट और अगर 400 करोड़ से ज्यादा है अदरवाइज में आया तो 30 परसेंट फॉरन कंपनी के केस में सरचार्ज लगेगा सरचार्ज तब लगेगा जब इनकम वन करोड़ से ज्यादा है अगर टोटल इनकम वन करोड़ से ज्यादा अप टू टेन करोड़ तक है तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में सेवन परसेंट फॉरन कंपनी के केस टू परसेंट और बेटा टेन करोड़ से भी ज्यादा है तो ट्वेल्व परसेंट एंड फाइव परसेंट और फोरसेंट पार्टनरशिप फर्म के केस में टैक्स रेट रहता है फ्लैट कितना रहता है फ्लैट थर्टी तो फर्म एल एंड लोकल अथॉरिटी के केस में फ्लैट थर्टी रहेगा सरचार्ज ट्वेल्व लगेगा अगर इनकम एक करोड़ से ज्यादा है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस फोर टैक्स रेट फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए टैक्स रेट क्या रहता है

क्योंकि क्या होता है ना बहुत बार ऐसा हो सकता है कि इनकम से ज्यादा टैक्स बढ़ जाए मीनस जितना इनकम नहीं बढ़ा उससे ज्यादा टैक्स बढ़ जाए तो वहां पे आपको मार्जिनल रिलीफ का मिलेगा अब आपको क्या करने का मार्जिनल रिलीफ के लिए सबसे पहले जैसे मान लो यहां पे इनकम दे रखी है इक्यावन लाख रुपए एक बंदे की तो इक्यावन लाख पे पहले आप टैक्स निकाल दीजिए अब यहां इनकम पचास लाख से लिटिल बिट ज्यादा है एक लाख दो लाख तीन लाख चार लाख तो देखने का करके ठीक है अब आप मुझे बोलोगे कि सर आप बार बार ये बोल रहे हो लिटिल बिट मोर देन पचास लाख है लिटिल बिट का मतलब क्या आप फिक्स ही बता दो ना इंड मैं नहीं बता सकता फिक्स मैं अगर बता भी दूंगा तो आपको याद नहीं रहेगा क्योंकि इंडिविजुअल एच यूफीआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में मुझे पचास के ऊपर वाला अमाउंट बताना पड़ेगा फिर मेरे को एक करोड़ के ऊपर बताना पड़ेगा फिर दो करोड़ के ऊपर फिर पांच करोड़ सीनियर सिटीजन हो गया तो सब अमाउंट चेंज हो जाएंगे क्योंकि सीनियर सिटीजन होगा तो वापस चेंज होगा सुपर सीनियर सिटीजन के केस में वापस चेंज होगा तो आपको क्या करने का जब आपको लगता है ना कि इक्यावन बावन तिरपन लाख रुपए है तब आपको चेक करना है आप पहले टैक्स निकाल दीजिए उसमें एड कर दीजिए सरचार्ज सरचार्ज एड करने के बाद आपको लिखने का दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू ये अमाउंट रेस्ट्रिक्ट करेगा किससे 50 लाख पे टैक्स कितना आएगा और 50 लाख के ऊपर वाली इनकम एज इट इज निर्मला सीतारामन जी को दे दीजिए

काफी इंटरेस्टिंग रहेगा सबसे पहले तो हम आज एक छोटी सी आपको रिबेट सिखाएंगे और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे ठीक है आप लोगों ने यह सुना होगा बहुत बार कि अगर आपकी इनकम पांच लाख रुपए तक ही है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगता ऐसा सुना के नहीं सुना सुना के नहीं सुना सुना ना कि पांच लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता लेकिन सर कल से परसों से आप जो टैक्स रेट पढ़ा रहे हो उसमें तो आप ये पढ़ा रहे हो कि ढाई लाख से ज्यादा इनकम होते ही आपको पांच परसेंट टैक्स लग रहा है तो फिर ऐसा कब होता है क्या हमारी इनकम पांच लाख का है तो टैक्स लगेगा ही नहीं इसमें क्या होता है ना एक रिबेट मिलती है और ये रिबेट क्या है मैं पहले आपको समझा दूं उसके बाद अपन लिख लेंगे तो पहले आपका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए इधर ध्यान दीजिए एक सेक्शन होती है दैट इज सेक्शन नंबर 87 ए करके 87 ए इनकम टैक्स की सेक्शन है और उसमें बोला हुआ है आपको एक रिबेट मिलेगा फ्रॉम टैक्स जो भी टैक्स है उसमें से रिबेट मिलेगा बट ये रिबेट मिलता किसको है इधर ध्यान देना ये रिबेट मिलता है ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल को ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल और जिसका टोटल इनकम है ना जिसका टोटल इनकम है वो टू फाइव लाख रुपए तक ही है मतलब जिसका इनकम है वो पांच लाख रुपए तक ही है उससे ज्यादा नहीं है टोटल इनकम अप टू फाइव लाख रेजिडेंट इंडिविजुअल को रिबेट मिलेगा बट रिबेट का सर अमाउंट कितना रहेगा तो लॉ मेकर्स बोलते हैं आपको रिबेट मिलेगा जितना आपका टैक्स का अमाउंट है या ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड विच एवर इज लोअर का आपको रिबेट मिलेगा चीजों को समझते हैं डोंट वरी देखिए सबसे पहली चीज ये जो रिबेट मिलेगी ना ये रिबेट सिर्फ एंड सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी तो क्या एच यू एफ कंपनी पार्टनरशिप हम बाकी को मिलेगी नहीं सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल इंडिविजुअल और वो भी रेजिडेंट होना चाहिए और जिसकी इनकम अप टू फाइव लाख रुपीज है जिसकी इनकम कितनी है अप टू लाख कितना रिबेट मिलेगा जितना आपका टैक्स है और ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड विच एवर इज लोअर जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं जैसे मान लो एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बीबी और ये बंदा है ये रेजिडेंट है और इसकी जो एज है वो थर्टी टू ईयर्स है कितनी है थर्टी टू ईयर्स पहले थर्टी फोर थी फिर थर्टी थ्री हुई अब थर्टी टू कर दो बस तो थर्टी टू ईयर्स है और मेरी इस साल की जो इनकम है वो मान लो फोर लैख थर्टी थाउजेंड है और मेरी इनकम ही नहीं है सिर्फ फोर लैख थर्टी थाउजेंड मेरी इनकम है अब मुझे एक बात बताओ ऑनलाइन वाले प्यारे प्यारे बच्चों फोर लैख थर्टी थाउजेंड मेरी इनकम है तो मुझे टैक्स कितना आएगा तो टैक्स निकालते टाइम मैं ये बोलो अप टू टू लैख फिफ्टी थाउजेंड तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा डैश पे डैश टू लैख फिफ्टी थाउजेंड से लेके अप अपू फोर लैख थर्टी थाउजेंड कितना आता है डिफरेंस देखो कितना वन वन एटी थाउजेंड का फाइव परसेंट कितना हुआ नाइन थाउजेंड आया तो बेटा नाइन थाउजेंड रुपीज का मेरा टैक्स आया नाइन थाउजेंड का मेरा टैक्स आया लॉमेकर बोलते हैं अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है पहली कंडीशन रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए और दूसरी कंडीशन जिसकी इनकम पांच लाख तक ही है क्या यहां दोनों कंडीशन हो गई आंसर इज यस ये रेजिडेंट इंडिविजुअल है है और जिसकी इनकम लाख लाख तक ही है, से ज्यादा नहीं है तो आपको रिबेट मिलेगा तो यहां पे मैं एलिजिबल हूं रिबेट लेने के लिए तो यहां हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ने से पहले ही रिबेट लेना पड़ता है और ये रिबेट मिलेगा जितना मेरा टैक्स का अमाउंट है वो या फिर ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड विच एवर इज लोअर तो टैक्स का अमाउंट मेरा कितना है नाइन थाउजेंड एंड ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड लोअर कम्स टू नाइन थाउजेंड तो मुझे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा मुझे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा इसलिए मार्केट में आपने सुना होगा लोग बोलते हैं कि इनकम अगर पांच लाख तक है तो कुछ टैक्स नहीं भरना पड़ता ये इसकी वजह से होता है क्योंकि यह सेक्शन बोलती है कि आपका जो टैक्स अमाउंट और ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड विच एवर इज लोअर है उतने का आपको रिबेट मिलेगा अब मान लो कोई बंदा है जिसकी ,000 ,000 है जिसकी इनकम एग्जैक्ट लाख तो क्या होगा एक बात बताओ यह एग्जैक्ट पांच लाख होता तो मेरा टैक्स कितना आता यहां न लाता और यहां कितना आता बारह हजार पांच सौ और रिबेट कितने का मिल जाता बारह हजार पांच सौ तो बारह हजार पांच सौ का मिल जाता तो कोई भी टैक्स नहीं लगता इसलिए हम लोग बोलते हैं कि पांच लाख तक की इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा लेकिन एक बात समझना गड़बड़ कहां पे होती है कि अगर मान लो जैसे एक बंदी है जिसका नाम है बेटा तुम्हारा नाम क्या है दिव्या जैसे मान लो एक बंदी है मिस दिव्या अब एक बात समझना दिव्या है वो रेजिडेंट है और दिव्या की जो एज है वो मान लो 22 इयर्स है एग्जांपल हां है, हा बेटा 22 इयर्स है नहीं तो बोलो सर 22 इयर्स सर ट्वेंटी टू है और इसकी जो टोटल इनकम है वो मान लो टोटल इनकम इसकी है फाइव लैख एंड थ्री थाउजेंड कितनी टोटल इनकम है अब आप समझते हैं कि इस पे हम टैक्स निकालेंगे, तो जब हम इस पर टैक्स निकालेंगे तो टैक्स निकालते टाइम अप टू लैख फिफ्टी थाउजेंड पे डैश पे डैश कुछ भी नहीं आएगा मोर देन टू लैख फिफ्टी थाउजेंड अप कितना पांच परसेंट बारह हजार पांच सौ एंड मोर देन फाइव लैख अप टू फाइव लैख थ्री थाउजेंड ट्वेंटी परसेंट कितना छह सौ तो टोटल हुआ तेरह हजार सौ अब एक बात समझना ऑनलाइन वाले बच्चों क्या यहां पे रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा क्या यहां पे रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा क्योंकि लॉ तो क्लियर बोलता है कि रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए और टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए अप टू पांच लाख तो यहां पे ये बंदा रेजिडेंट इंडिविजुअल है और इसकी इनकम पांच लाख से ज्यादा है तो यहां पे रिबेट नहीं मिलेगा यहां पे रिबेट नहीं मिलेगा और जब यहां पे रिबेट नहीं मिलेगा तो मैं यहां पे लिखूंगा रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए है दैट इज नॉट अवेलेबल तो आपका टैक्स रहा तेरह हजार एक सौ और इसमें ऐड कर दो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट फोर परसेंट तो टोटल कितना आ जाएगा तेरह हजार सिक्स ट्वेंटी फोर है दैट इज करके लिखेंगे तेरह हजार छह सौ बीस इतना टैक्स आएगा एक बात बताओ सर यहां पे गलती हो गई एसएससी से कि तीन हजार ज्यादा कमा लिया गलती हो गई ना क्योंकि अगर ये पांच लाख ही होता तो क्या कोई टैक्स लगता क्या नहीं लगता गलती हो गई तीन हजार ज्यादा कमा लिया और उसकी वजह से टैक्स कितना भरना पड़ रहा बता है बताए तेरह हजार छ सौ बीस तो क्या यहां पे कोई मार्जिनल रिलीफ कॉन्सेप्ट है या नहीं है राइट आंसर इज नहीं है राइट आंसर इज नहीं है यहां पे यहां पर कोई मार्जिनल रिलीफ कॉन्सेप्ट नहीं है गवर्नमेंट को बहुत बार मेल भी किया लोगों ने बोले ये गड़बड़ है गलत है ऐसा मत करो बेचारे ने तीन हजार गलती से ज्यादा कमा लिया तीन हजार तुम ही ले लो बट तो भी तुम तेरह हजार छह सौ बीस ले रहे हो तो बोले हम तो लेंगे करके ठीक है तो कुल मिला के हम हमारे क्लाइंट को हमेशा ये बोलते हैं कि आप अपने क्लाइंट की जो इनकम है ना वो कम से कम पांच लाख तक ही रखो एक रुपया भी ज्यादा मत करो मतलब एक अगर पांच लाख और चार रुपए तक है करके ठीक है तो तो ठीक है पांच लाख में आ जाएगा राउंडेड हाँ, ऑप होके गए पांच लाख में आएगा ना और पांच लाख अगर पांच रुपया हुआ तो पांच लाख दस रुपया हो जाएगा और पांच लाख दस रुपया हुआ तो फिर ये रिबेट नहीं मिलेगी फिर ये रिबेट नहीं मिलेगी तो हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं हमेशा क्लाइंट को ये बोलते हैं और आप भी अपने पेरेंट्स को बोलोगे कि पापा इनकम है ना वो पांच लाख तक ही रखो अगर लास्ट डे पे आपको लगता है कि कहीं तीन हजार चार हजार ज्यादा हो गया है तो उसी दिन प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेशन डाल दो करके ठीक है तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेशन देते जी तो में डिडक्शन तो की आएगी तो हमेशा रखना, आपकी जो है, वो अगर पांच लाख तो पांच, पांच रुपया हुआ इसका मतलब आपको टैक्स लगेगा फिर यह रिबेट एटी सेवन ए का आपको नहीं मिलेगा अब आपके मन में, में एक डाउट यह आ रहा होगा कि सर एक बात बताओ यहां पर ऐसा क्यों दे रखा है कि रिबेट मिलेगा आपका टैक्स का अमाउंट ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड विच एवर इज लोअर सर हमेशा लोअर तो टैक्स का अमाउंट ही आएगा ना आपके मन में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये देने की जरूरत क्या थी गवर्नमेंट ऐसा भी तो लिख सकती थी ना कि जो तुम्हारी इनकम अगर पांच लाख है तो टैक्स भरना ही नहीं ऐसा भी तो लिख सकती थी ऐसा क्यों लिखा कि ये रिबेट मिलेगा टैक्स का अमाउंट ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड विच एवर इज लोअर सर ये टैक्स का अमाउंट तो मैक्सिमम बारह हजार पांच सौ ही तो आएगा हमेशा टैक्स का अमाउंट ही तो कम आएगा तो ऐसा क्यों लिखा ऐसा इसके लिए लिखा इसके पीछे के रीजन है और रीजन है कि कुछ ऐसी इनकम होती है जो स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती है कुछ इनकम ऐसी रहती है जिसके बारे में अपन एक दो दिन में पढ़ लेंगे जो स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती है जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं इधर देखो एग्जांपल लेता हूं समझने की कोशिश करना जैसे मान लो एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर जय रेजिडेंट इंडिविजुअल है और ये जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है इसको इस साल सिर्फ विनिंग का इनकम है चार लाख और कोई इनकम है ही नहीं सिर्फ विनिंग का इनकम लॉटरी लग गई चार लाख की लॉटरी लग गई या ड्रीम इलेवन पे उसने कुछ ऐसा पैसा वैसा लगाया ड्रीम इलेवन समझते हो ना तो ड्रीम इलेवन पे उसने टीम बनाई और चार लाख रुपया जीत गया और कोई इनकम नहीं है पूरे साल कुछ इनकम नहीं है सिर्फ ड्रीम इलेवन से चार लाख रुपया विनिंग हो गया और कोई इनकम नहीं है अब इस पर टैक्स कैसे निकलेगा तो जब आप इस पर टैक्स निकालने जाओगे तो मैं आपको एक दो दिन में बता दूंगा कि पहली चीज तो इस चार लाख के सामने बेसिक एग्जाम का बेनिफिट नहीं मिलेगा जो ढाई लाख रुपया होता है ना वो ढाई लाख का बेनिफिट विनिंग विनिंग के सामने नहीं मिलता इनकम फ्लैट परसेंट से टैक्सेबल होती है तो एक बात बताओ विनिंग पे आप जो टैक्स लगाओगे वो चार लाख रुपए पे तीस परसेंट की रेट से टैक्स कितना आया एक लाख बीस हजार एक लाख बीस हजार अब क्या रिबेट मिलेगा यानी रिबेट में दो कंडीशन है पहला रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए तो क्या ये रेजिडेंट इंडिविजुअल है या नहीं है और इसकी टोटल इनकम पांच लाख से ज्यादा नहीं होने चाहिए टोटल इनकम चार लाख ही है तो क्या इसको रिबेट मिलेगा आंसर यस इस मिलेगा इसको रिबेट यहां पे इसको रिबेट मिलेगा 87A का और रिबेट कितना मिलता है जो आपका टैक्स का अमाउंट और 12,500 थाउजेंड एवर इज लोअर तो यहां टैक्स का अमाउंट कितना है एक लाख बीस हजार और 12,500 तो लोअर कितना आया 12,500 लेस कर दीजिए एक लाख सात हजार पांच सौ और उसमें फिर अपन ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन एट द रेट फोर इसके लिए लॉ में कर बोला इसलिए लॉ मेकर्स ने बोला है कि यहां पे टैक्स का अमाउंट और 12,500 थाउजेंड विच एवर इज लोअर है उतने का आपको रिबेट मिलेगा इसलिए उन्होंने ऐसा फ्लैट नहीं लिखा कि पांच लाख तक की इनकम है तो टैक्स नहीं भरना नहीं तो गड़बड़ हो जाती विनिंग विरग्रह की इनकम हो तो इसके लिए उन्होंने बोला है टैक्स का अमाउंट और ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड विच एवर इज लोअर इधर देखो राघव इज ट्वेंटी सिक्स रेजिडेंट इन इंडिया हैज अ टोटल इनकम ऑफ फोर लैक वॉडी थाउजेंड Comprising his salary income and interest on bank fixed deposit. उसकी सैलरी और बैंक एफडी से इंटरेस्ट वगैरह मिला के चार चालीस है। Compute his tax liability for the assessment year चौबीस पच्चीस। Assuming that assessee exercise the option of shifting out of the default tax regime provided under section 115BAC sub section 1A that is ignore 115BAC। अब आप बोलोगे ये बार बार क्यों बोल रही हो 115BAC को ignore करो। हर question में आप यही बोल रहे हो। दो दिन बाद समझा दूंगा समझ में आ जाएगा तो भी मैं आपको बता दून बी एस सी एक ऐसी सेक्शन है जिसमें लाख 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 तक 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 टैक्स नहीं लगता कितने तक? 7 तक। आपने इस बार बजट आया तो सुना होगा ऐसा सुना था ना तो इसके लिए मैं बार बार इग्नोर करा बट वो ऑप्शन है मतलब ऐसा है कि आप नॉर्मल में जाओ या वन वन फाइव बीएससी में जाओ अब आप बोलोगे हर कोई वन वन फाइव बीएससी में ही जाएगा क्योंकि उसमें तो सात लाख तक टैक्स नहीं लगता ऐसा नहीं है भैया आएगा तो रुक जाओ थोड़ा तो राघव का इनकम चार लाख चालीस हजार है और चार लाख चालीस हजार जब है तो आपको उसका टैक्स निकाल के बताना है तो चलो अपन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये तो यहां पे क्वेश्चन नंबर थ्री पेज नंबर वन तो क्वेश्चन नंबर थ्री पेज नंबर वन मिस्टर राघव और मिस्टर राघव की इनकम कितनी है फोर लाख थर्टी या फोर्टी थ्री जीरो फोर जीरो वेरी गुड फोर लैख फोर्टी थाउजेंड तो इस पर टैक्स कैसे आएगा टैक्स कैलकुलेशन अप टू तो टू लैख फिफ्टी थाउजेंड सार्थक डैश पे डैश डैश पे डैश डैश पे डैश, पे डैश <laughs> मोर देन टू लैख फिफ्टी थाउजेंड अप टू फोर लैख फोर्टी थाउजेंड कितना नाइन थाउजेंड नाइन थाउजेंड वेरी गुड क्या कैलकुलेटरिंग नाइन है 9500 तो टोटल तो 9,500 हो गया इसमें से रिबेट मिल जाएगा रिबेट अंडर सेक्शन 87 तो, ए तो आपका टैक्स अमाउंट और 12,500 लोअर कम्स टू एच एवर इज लोअर का मतलब वैल्यू वाइज लोअर है ऐसा नहीं कि जो नीचे लिखा हुआ है वही ले लो ऐसा होता है ना बच्चों को लगता है मतलब जो नीचे लिखा है वो लिख लो नेट टैक्सेबल नेट नेट टैक्स टैक्स डैश पे डैश सार्थक डैश पे डैश क्या हुआ हाँ रिबेट मेंशन करना जरूरी है मिल रहा है नहीं मिल रहा है रिबेट नहीं मिल रहा है तो नहीं करना मिल रहा है तो करना पड़ेगा हाँ भाई उत्कर्ष उत्कर्ष ने बहुत उत्कर्ष जवाब दिया है हमारे इस बैच का मेन जो बंदा है वो फैजान भाई क्या नाम है फैजान भाई इस बैच का मेन किडने पर इस फैजान भाई आ? फेस टू फेस में सार्थक और ऑनलाइन में फैजान भाई फैजान भाई बोलता है हमको ज्यादा कमाना ही नहीं है क्या तो रिबेट मिल जाएगी फैजान भाई ऐसा नहीं होता ना बाबू टैक्स जो टैक्स जो भरना है, तो है ना तो ज्यादा कमाओगे तो अच्छी बात है ना थोड़ा ज्यादा टैक्स भरना क्या फर्क पड़ता है हाँ चलो एक बंदा बोलता है फैजान भाई के बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा किडनेपिक के बिजनेस में भाई साहब फैजान भाई तो जाएंगे जाएंगे तुमको भी ले जाएंगे साथ में चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर फोर आ जाइए इधर देखिए क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोलता है मिस्टर दिनेश एज थर्टी फाइव रेजिडेंट इन इंडिया इंडिया में ये रेजिडेंट है दिनेश भाई रेजिडेंट है टोटल इनकम ऑफ फोर लैख एटी थाउजेंड इनकी टोटल इनकम फोर एटी है बट वो किससे पता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112 से 112 से कंप्यूट इज टैक्स लाइबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर दैट एसएससी एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ सिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्सेशन रिज्यूम प्रोवाइडेड अंडर सेक्शनोर वन वन फाइव बीएससी ये जो दिनेश भाई है ना दिनेश भाई की चार की इनकम है और वह सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और कुछ नहीं है सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अब आप बोलोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है मैं आपको सिर्फ एक अभी हिंट दे रहा हूं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है क्या जैसे कोई घर बेचता है कोई ज्वेलरी बेचता है तो उसको बेचने से अगर दो साल बाद बेचा मतलब घर जैसे है आज खरीदा दो साल रखा दो साल बाद बेचा तो उसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या बोला जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मींस आपने लंबे टाइम तक रखा था उसके बाद बेचा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और मान लो आपने दो साल के अंदर अंदर बेच दिया तो उसको बोला जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या बोला जाता है और जो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है ना उस पर टैक्स लगता है सिर्फ 20 परसेंट से कौन सी रेट से 20 से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्स लगता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20 परसेंट से टैक्स लगता है अब आप बोलोगे सर यहां लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वन अभी थोड़ी देर पहले आप जब नोट लिखवा रहे थे तो उसमें आपने ये लिखवाया था ये रिबेट 87 ए नहीं मिलता अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए ए लिखवाया था ना वहां पे और ये तो 112 है तो आप बोलोगे 112 और 112 वन ए दोनों अलग अलग है या सेम ही है राइट आंसर इज अलग अलग है ये जो 112 वन टू क्या होता है इसको अपन पढ़ेंगे थोड़े दिनों के बाद बट वन वन टू है क्या होता है कि जो शेयर मार्केट से कैपिटल गेन होता है ना शेयर बेचने से उसको बोला जाता है वन वन टू ए इस पर सिर्फ दस परसेंट से टैक्स लगता है और नॉर्मल जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जैसे घर बेचा ज्वेलरी बेचा उससे जो कैपिटल गेन होता है वो वन वन टू में जाता है और उस पर आपका ट्वेंटी परसेंट से टैक्स लगता है इसको आपको आगे समझ में आ जाएगा अभी सिर्फ रिबेट के परस्पेक्टिव इतना समझ लीजिए कि रिबेट मिलेगा एटी सेवन ए का मैं इसलिए ये एग्जाम्पल को लिया कि आपके मन में ये डाउट ना आए कि ये सर क्यों लिखा है टैक्स अमाउंट ऑफ ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड बेच एवर इज लोअर तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर फोर है उसका सॉल्यूशन करा रहा हूं आप भी साथ साथ में करते जाइएगा तो क्वेश्चन नंबर फोर है पेज नंबर कौन सा दे रखा है अब एक बात इसकी 80, आपका और कुछ नहीं है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना इसके सामने आपको ढाई लाख का बेसिक एक्सम्सन का बेनिफिट मिलता है तो आप क्या करोगे ये फोर लैख एटी थाउजेंड पर जब आप टैक्स लाइबिलिटी निकालोगे ये किस किस के सामने मिलता है क्या मिलता है वो अपन थोड़े देर बाद आप मुझे एक दो दिन और दे दीजिए आपको सब चीजें दिमाग में बैठेगी इसमें क्या होगा कि अप टू तू तू तक कोई टैक्स नहीं लगेगा और टू लैख फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और अपटू फोर लैख एटी थाउजेंड इस पर सीधा बीस परसेंट टैक्स लगता है आप बोलोगे सर अभी तो आपने बता रहे थे पांच परसेंट टैक्स लगता है अरे वो पांच परसेंट नॉर्मल टैक्स रेट जनरल टैक्स रेट है ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है ना ये स्पेशल टैक्स रेट में आता है और मैंने वहां पे पहले जब लेक्चर चालू किया ना तो पहले मैंने दो टाइप ऑफ द टैक्स रेट बताई थी एक जनरल टैक्स रेट एक स्पेशल टैक्स रेट अब देखो ये जनरल टैक्स रेट कौन सी होती है जो अपन ने सीखी अभी तक ये स्पेशल टैक्स रेट में यहां पर मैंने लिखा था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो बीस से टैक्सेबल होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वन वन टू ए शेयर मार्केट वाला दस परसेंट से टैक्सेबल होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल वन कुछ होता है वो पंद्रह परसेंट से टैक्सेबल होता है ये अपन पढ़ेंगे आगे तो आप यह समझिए यहां पे 20% परसेंट से सीधा टैक्सेबल कर देते हैं तो 20% परसेंट से टैक्सेबल करेंगे तो ढाई लाख से लेकर 480 तक जो भी आपका इनकम रहेगा उस पर आप लीजिए 20% परसेंट कितना आता है कितना 46,000 तो 46,000 आया अब इसके सामने ले लीजिए आप रिबेट माइनस रिबेट अंडर सेक्शन एटी ए और एटी ए का रिबेट कैसे मिलेगा आपका टैक्स अमाउंट और ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड विच एवर इज लोअर तो टैक्स अमाउंट फोर्टी सिक्स थाउजेंड और ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड लोअर है कितना बचा थर्टी थ्री थाउजेंड एड कर दीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट फोर परसेंट कितना आया थर्टी फोर थाउजेंड एट फोर्टी चलिए डन एग्रीकल्चर इनकम हेडिंग दे दीजिए एग्रीकल्चर इनकम एग्रीकल्चर इनकम और एग्रीकल्चर इनकम जो आपने हेडिंग दिया उसके बाद next line में नेक्स्ट लाइन में लिखिए ऐसा एज करके एग्रीकल्चर इनकम इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया शैल बी एग्जेप्ट एग्ज एग्जेप्ट का मतलब क्या होता है एग्जेप्ट का मतलब किसको है? Exempt है. हा? बोलते हैं एग्जेम्ट हाँ है. बोलते ना यह एग्जेप्ट मतलब यू कैन से दैट इसको टैक्सेबल नहीं करेंगे ठीक है तो एग्जेम के ब्रैकेट में लिख लेंगे अपन नॉट टैक्सेबल तो एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया शैल बी एग्जेप दैट इज नॉट टैक्सेबल ड्यू टू सेक्शन सेक्शन टेन वन टेन वन को क्या बोलूंगा सेक्शन या क्लॉस इनकम टैक्स में सेक्शन टेन के साथ जो भी लिखा होगा उसको क्या बोलेंगे क्लॉस तो ये सेक्शन टेन वन में एग्रीकल्चर इनकम को एक्म कर रखा है चलिए तो अपन ने पहली लाइन में लिखा कि एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया अगर देखो इंडिया से एग्रीकल्चर इनकम हुआ ना वही है ये जो बंदा है बांग्लादेश में जाके एग्रीकल्चर एक्टिविटी करता है तो टैक्सेबल है अगर थाईलैंड में जाके एग्रीकल्चर एक्टिविटी करता है तो टैक्सेबल है पाकिस्तान में जाके करता है तो टैक्सेबल है इंडिया में एग्रीकल्चर एक्टिविटी की तो वो इनकम एक्जेम्ट है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है अब एक बात समझना एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे किसको तो चलिए एक लाइन छोड़ के लिखिए मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम और उसमें आप वन बाय वन पॉइंट लिख लीजिए मैं इसको समझाऊंगा बाद में पहले एक बार लिख लीजिए आप लिखिए इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पॉइंट नंबर वन लिखिए इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पॉइंट नंबर टू लिखिए रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड दूसरा लिखिए रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड ब्रेकेट में लिखिए दूसरे पॉइंट कहीं ब्रैकेट में लिखिए यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज तीसरा लिखिए तीसरा पॉइंट लिखिए रेंट ऑफ फार्म हाउस रेंट ऑफ फार्म हाउस एफ ए आर एम फार्म हाउस रेंट ऑफ फार्म हाउस ब्रैकेट में लिखिए यूज एज स्टोर हाउस उस एस टीओ आर स्टोर हाउस और डवेलिंग यूनिट डी डब्ल्यूलएल जी डेलिंग यूनिट यूज एज स्टोर हाउस और ड्वेलिंग यूनिट ड्वेलिंग डी डब्ल्यू ई एल एल आई एनजी डूनिट और चौथा लिख लीजिए इनकम फ्रॉम नर्सरी नर्सरी किसको बोलते हैं पता है प्लांटेशन वगैरह बेचते हैं ना इनकम फ्रॉम नर्सरी इनकम फ्रॉम नर्सरी 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 होती है ना जो बनाते हैं नर्सरी पौधे वगैरह वगैरा के तो देखो यार जिस दिन मैंने पहले दिन बताया कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता तो आपके मन में ये ख्याल आया होगा कि हम तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी ही करेंगे सीए बनने के बाद भी अल्टीमेटली हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी ही करेंगे क्योंकि उस पर टैक्स ही नहीं लगता तो एग्रीकल्चर इनकम बोलते किसको पहले तो यह बता दो ना सर तो चलो लॉ मेकर्स ने चार पॉइंट ऐसे डाले और बोला कि चार पॉइंट ऐसे है जो एग्रीकल्चर इनकम है सबसे पहला लिखा हुआ है सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इसके बारे में मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगा सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होता है कि जैसे मान लो आपने क्या किया अपने खेत में कुछ पोटेटो उगाए गेहूं उगाए बाजरा उगाया जो भी उगाना है वो आपने ग्रो किया और ग्रो करने के बाद फिर आपने उसको बेच दिया दैट इज कॉल्ड सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम है ये इनकम आपकी एग्रीकल्चर है ये एग्जेप्ट हो जाएगी इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा तो आपने कोई ग्रो किया प्रोडक्ट और ग्रो करके आपने उसको बेच दिया दैट इज कॉल्ड सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम है दूसरा ये लिखा हुआ है रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड अब एक बात बताऊं रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है ना वो भी एग्रीकल्चर इनकम है जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं समझने की कोशिश करना मैंने क्या किया मिस्टर बीबी अब मैं तो पढ़ाता हूं लेकिन मेरी एक एग्रीकल्चर लैंड है जो राजस्थान में है यह जो है एग्रीकल्चर लैंड मेरी राजस्थान में है अब ये राजस्थान की जो एग्रीकल्चर लैंड है ना ये मैं यूज नहीं कर रहा मैंने क्या किया एक बंदा है जिसका नाम है किसान और उस किसान को मैंने भाड़े पे दे रखा है किसान को मैंने रेंट पे दे रखा है और मैंने बोला कि तू भैया हर साल मुझे इसका दो लाख रुपया भाड़ा दे दे दो लाख रुपया भाड़ा दे दे दो लाख रुपया मुझे रेंट दे दे तो उसने मुझे दो लाख का रेंट दिया वो रेंट भी मेरी एग्रीकल्चर इनकम है वो है। अब वो कर, आप आप बोलोगे तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो भी चलेगा मैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं कर रहा बट मैंने वो जो है खेत मेरा एग्रीकल्चर लैंड है ये एग्रीकल्चर लैंड अगर किसी को रेंट पे दे दी ना तो ये इसका जो रेंट मुझे आ रहा है वो भी एग्रीकल्चर इनकम है वो भी एग्जेंट है लेकिन बाबू ये किसान इस लैंड को यूज किस लिए कर रहा है पता है एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं कि लो, मैंने मेरी की शूटिंग कर, कर रहा है आगे काजोल दौड़ रही है और पीछे शाहरुख खान दौड़ रहा है करके ठीक है उनके दोनों के बच्चे भी दौड़ रहे हैं ठीक है थीके? अब वो दौड़ रहे हैं दिल दीवाना है दिल पागल है वैसा वैसा कुछ हो रहा है करके ठीक है और इन्होंने मुझे भाड़ा दिया तो क्या वो भाड़ा मेरे लिए एग्रीकल्चर इनकम होगी या नहीं नहीं मतलब एग्रीकल्चर इनकम भाड़ा एग्रीकल्चर इनकम है कब जब आगे वाला बंदा है उसको किसके लिए यूज कर रहा है एग्रीकल्चर के लिए अगर उसने एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज कर रहा है वो किसान तो तो मुझे जो भाड़ा मिलेगा वो भाड़ा एग्रीकल्चर इनकम है अदरवाइज वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है तीसरी चीज तीसरी चीज आपके पास अगर कोई फार्म हाउस है और फार्म हाउस आपने किसी को भाड़े पे दे दिया तो फार्म हाउस से इनकम होती है लेकिन फार्म हाउस भाड़े पे दिया फार्म हाउस किसको बोलते हैं कि जैसे ये तुम्हारी एग्रीकल्चर लैंड है बहुत बड़ी और इस एग्रीकल्चर लैंड के यहां पे आपने एक छोटा सा ऐसा घर जैसा स्टोर रूम वगैरह बना रखा है इसको बोला जाता है फार्म हाउस अब ये फार्म हाउस आपने किसी को भाड़े पे दे दिया तो इसका जो रेंट आएगा वो भी एग्जेम है वो भी एग्रीकल्चर इनकम है लेकिन राजा ये फार्म हाउस किस लिए दे रहे हो क्या किसी को पार्टी करने के लिए दे रहे हो नहीं अगर आपने ये फार्म हाउस किसी को पार्टी करने के लिए दिया लोग आके वहां पार्टी कर रहे हैं दारू पी रहे हैं गाना गा रहे हैं चार बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है उसका भाड़ा मिलेगा वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है ये फार्म हाउस आपने किसी को भाड़े पे दिया या तो स्टोर रूम की तरह जैसे मान लो आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है इसके बाजू में यहां पर भी कोई किसान है और वो किसान के वहां पर गेहूं की फसल हुई या कोई बाजरा हुआ और उसको रखने के लिए जगह नहीं है तो जब उसके रखने के लिए जगह नहीं है आपने बोला कोई बात नहीं आप मेरे यहां पर रख लीजिए मेरे पास मेरा फार्म हाउस जो पड़ा है उसमें आप रख लीजिए आप मुझे उसका कुछ भाड़ा दे दीजिए तो उसने आपको कुछ भाड़ा दिया तो वो भाड़ा एग्रीकल्चर इनकम है दूसरी चीज कि अगर मान लो या फिर मान लो यहां वर्कर रहते हैं जैसे मान लो बाजू में कोई एग्रीकल्चर लैंड है उसके वहां पे कोई वर्कर काम करते हैं वो बोलता है हमारे वर्कर को रहने के लिए चाहिए और जो वर्कर फार्म पे काम करते हैं, एग्रीकल्चर का ही काम करते हैं वो वर्कर को यहां पे रहने के लिए आपने दिया और उससे अगर कोई इनकम हुई तो वो एग्रीकल्चर इनकम है तो एग्रीकल्चर इनकम कौन कौन सी इनकम एग्रीकल्चर इनकम है अगर अपन उसकी बात करें तो बेटा एग्रीकल्चर इनकम में अभी तक हमने तीन इनकम देखी सबसे पहला एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेच दिया तो दूसरा एग्रीकल्चर लैंड का भाड़ा और तीसरा किसका भाड़ा फार्म हाउस का लेकिन फार्म हाउस किस लिए भाड़े पे दे रहे हो या तो स्टोर करने के लिए या एज अ ड्वेलिंग यूनिट ड्वेलिंग यूनिट का मतलब वर्कर वगैरह जो है जो फार्म पे काम करते हैं उनके रहने के लिए और उससे अगर कोई इनकम होती है तो वो एग्रीकल्चर इनकम है उसके बाद नेक्स्ट है नर्सरी का इनकम अब एक बात समझना ये नर्सरी का इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम है भले इसको आप अपनी एग्रीकल्चर लैंड पे करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता नर्सरी का इनकम पूरा एग्रीकल्चर इनकम है और आजकल लोग इसका भी बहुत यूज कर रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट करने में क्या कर रहे हैं पता है छोटी मोटी नर्सरी सेटअप कर लेते हैं पी चिदम्बरम ऐसा कुछ हुआ था पहले केस लो आया था जिसमें करोड़ों रुपए की इनकम उसने बताई कि मेरी नर्सरी से हुई है और नर्सरी में तो एग्रीकल्चर लैंड की भी जरूरत नहीं है आप बोलते हो हम पौधे उगाते हैं उस पॉलिथीन में पौधे उगा के और थोड़ी देर बाद उसको बेचने चले जाते हैं और बेचने से इनकम होती है वो नर्सरी की इनकम वो एग्रीकल्चर फुल्ली एग्रीकल्चर फुल्ली एग्जेप्ट है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा एग्जाम्पल के लिए मान लो ये बंदा नाम क्या तुम्हारा अमन उमर उमर तो उमर जो है उमर और उमर की वाइफ दोनों लोगों ने क्या किया कि मान लो इन्होंने नर्सरी चालू की अब इनके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड नहीं थी इसके घर पे ही इन्होंने वो पॉलिथीन बैग लाए जिसमें वो मिट्टी डालते थे उसमें एक पौधा लगाते थे और उसके बाद साइकिल पे दोनों पौधे को बेचने जाते थे साइकिल पे बेचते थे करके ठीक है उमर है वो साइकिल चलाता था उसकी बीवी बोलती थी मैंगो ले लो ये ले लो वो ले लो ठीक है चंपा ले लो चमेली ले लो ये ले लो वैसे वो पौधे बेचते थे और 10 10 20 20 50 50 रुपए में पौधे बेचते थे इससे जो इनकम आती है वो भी एग्रीकल्चर है इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा तो कल से आप भी ये कर सकते हो करके ठीक है कि घर पे है वो पौधे उगाओ और पौधे उगा के मार्केट में बेचने जाओ ये एग्रीकल्चर इनकम है उस उसपे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा दिस इज द एग्रीकल्चर इनकम और एग्रीकल्चर इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगता तो ये चार तरह की इनकम है जो एग्रीकल्चर इनकम है जिसपे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा अब एक बात बताओ सर आपने बोला सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपने बेचा तो एग्रीकल्चर इनकम में टैक्स नहीं लगेगा लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है एक बात बताओ जैसे मैं मेरी बात करता हूं पोटेटो समझते हो पोटेटो पोटेटो का मतलब क्या होता है आलू 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 ही होता है ना आलू हाँ तो आलू ले लो कांदा ले लो वाला ठीक है आलू तो मान लो ऐसा हो सकता है ना मैंने मेरे खेत में आलू उगाए आलू ग्रो किए और आलू दो तरीके हो सकते हैं या तो आलू एज इट इज बेच दिए मैंने हाँ आलू एज इट इज मैंने बेच दिए तो तो क्या होगा सीधा एग्रीकल्चर इनकम होगा हाँ लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है मैंने सोचा आलू में बेचू क्यों मैं तो आलू से पहले चिप्स बनाऊंगा और चिप्स बना के मैंने बेच दी तो अब मुझे बताओ चिप्स बनाने की इनकम है वो एग्रीकल्चर होगी या नहीं आपको क्या लगता है एक होता है शुगर केन सुगर केन समझते हो तो शुगर केन मैंने बेच दिया तो तो एग्रीकल्चर इनकम होगी भाई अपने विदर्भ में जितने भी किसान सुगर कैन बेचते हैं एग्रीकल्चर इनकम है बट सुगर कैन से मैंने सुगर बना दी और सुगर बना के बेची तो क्या वो एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं लेकिन उसकी कुछ इनकम तो एग्रीकल्चर होनी चाहिए नहीं नहीं मुझे बताओ मैं मेरे को नहीं पता आप मुझे बताओ एक बात बताओ मैं जो आलू बेचता हूं आलू एज इट इज बेच दिया तो तो एग्रीकल्चर इनकम आलू मैंने उगाए खेत में उसी से चिप्स बनाई मैंने टैक्सेशन चिप्स करके बेच दी इन्वेंशन था कि एक नंबर लिखी होती थी उधर तो लिखा होगा रिबेट ठीक है और अगर आपने रिबेट की साइड से देख लिया तो रिबेट तो दूसरी साइड में तो वैसे है वो मतलब बच्चा खा लेगा चिप्स और खाते खाते पढ़ाई भी करेगा तो मुझे बताओ चिप्स बेचने से इनकम होगी आपको क्या लगता है वो पूरी एग्रीकल्चर होगी नहीं वो एग्रीकल्चर क्या पूरी बिजनेस होगी या कुछ एग्रीकल्चर होनी चाहिए उसमें आपको क्या लगता है हाँ आप समझ रहे हो मेरा डाउट समझ रहे हो ना भाई सिंपल सी बात है आप अपने आप को वहां रख के देख लो कि आपने खेत में पोटेटो उगाए पोटेटो एज इट इज बेच दिए होते तो, तो एग्रीकल्चर था सब आपने पोटेटो से चिप्स बनाई और चिप्स बना के बेच दी तो क्या पूरी एग्रीकल्चर होगी या पूरी बिजनेस होगी या उसमें कुछ एग्रीकल्चर और कुछ बिजनेस होगी हाँ? कुछ एग्रीकल्चर कुछ बिजनेस आप एक और चीज समझते आपका खेत है आप, आपका खेत ले लेते हैं आपका नाम क्या है श्रेय श्रेय बंदा है बहुत सीरियस बंदा है करके ठीक है लाइफ को लेके तो श्रेय का खेत है अब खेत पे भाई ने गन्ना लगाया करके ठीक है अरे तो गन्ना शुगर कैन को गन्ना ही बोलते हैं मैं कोई नया बोल रहा हूं वर्ड क्या बोलते हैं खुश क्या बोल रहे है? उस भाई साहब ऑनलाइन वाले बच्चों है ना तुम बिल्कुल है ना तुमको ना समझ में आए ना ऐसा कोई वर्ड उस उस तो छोड़ देना हम ठीक है हाँ तो भाई दो चीजें है ना एक तो होता है तो श्रेयस ने श्रेयस के खेत में गन्ना लगाया अब या उस लगाया उस लगाया ठीक है अब या तो उसको बेच दे ठीक है या फिर उससे चीनी बना के बेच दे चीनी को क्या बोलते हो साकर बना के बेच दे करके ठीक है तो एक बात बताओ इसमें ऐसा तो नहीं है ना कि पूरा ही एग्रीकल्चर या पूरा बिजनेस है आपको क्या लगता पार्ट्ली पार्ट्ली है पार्टली एग्रीकल्चर और पार्टली बिजनेस हाँ पार्टली एग्रीकल्चर पार्टली बिजनेस या पूरा बिजनेस पूरा एग्रीकल्चर आप केस को समझ गए श्रेयस ने गन्ना लगाया गन्ने से उस, हाँ, उस लगाया ठीक है ए ऑनलाइन वाले नहीं समझते ना उसकी उस, उस, के कुछ भी बोल रहे हो तो उसने पोटेटो हाँ पोटेटो ठीक था <laughs> गन्दे पे क्यों जा रहे हो ठीक है हाँ हाँ बटाटा हाँ बटाटा इसीलिए यहाँ पे बटाटा बड़ा बोलते हैं ना आ, अब समझा मुझे बटाटा ये भाई आलू लगाया ठीक है एक बार मैं जो बोलना है बोल दो ना आलू बटाटा या हाँ चलो अपने काम पोटेटो बोलते लगेगा ठीक है हाँ पटेटो या पोटेटो कुछ भी बोल दो कुछ हाँ. कुछ भी... ये बोलती है पटा लो ठीक है यार हाँ वो ऑनलाइन वाले बच्चे बोलते हैं पुणे वाले बच्चे आपको बिगाड़ देंगे ध्यान रखना करके ठीक है नहीं नहीं ऐसा नहीं है करके ठीक है हाँ हाँ अच्छे लोगों साथ रह के साथ रखे ये भी सुधर जाएंगे चलो इधर देखो आप लोग तो बात कर रहे आप मेरा डाउट समझे ना कि पोटेटो उगाया पोटेटो सीधा बेचा होता तो, तो एग्रीकल्चर पोटेटो से चिप्स बना के बेचा आपको क्या लगता है एक तो यह हो सकता है कि नहीं सर यह भी पूरा एग्रीकल्चर रेज योर हैंड कितने लोग बोलते हैं पूरा एग्रीकल्चर कोई आप बोल रहे हो कि पूरा एग्रीकल्चर वेरी गुड कितने लोग बोलते हैं पूरा कि पूरा बिजनेस बिजनेस सर ऐसा थोड़ी होता है पूरा बिजनेस पूरा बिजनेस कर रहे हो आप चलो तो पूरा बिजनेस वाले पांच परसेंट है कितने लोग बोलते हैं पार्टली एग्रीकल्चर और पार्टली बिजनेस वेरी गुड नाइनटी फाइव परसेंट लोग बोल रहे हैं इंटी फाइव परसेंट लोग बोल रहे हैं कि इसमें सर जो है वो पार्टली एग्रीकल्चर एंड पार्टली बिजनेस लास्ट लेक्चर में तो मेजोरिटी वाले हारे थे इस बार देखते हैं इस बार मेजोरिटी वाले जो है वो जीत गए लॉजिकली है ना यार लॉजिकल चीज है ना आप एक बात बताओ आप पोटेटो उगाते हो पोटेटो बेचते हो तो, तो एग्रीकल्चर होता है पोटेटो से चिप्स बना के बेच दी तो पूरा एग्रीकल्चर तो गलत है पूरा बिजनेस भी गलत है कुछ एग्रीकल्चर रखो कुछ बिजनेस रखो अब कैसे डिवाइड करेंगे तो उसके लिए एक रूल बनाया गया इधर ध्यान देना सब लोग आप लिखना मत पहले बोर्ड पे ध्यान देना पहले मैं आपको समझाऊंगा उसके बाद मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा ठीक है तो इनकम टैक्स में एक रूल होता है दैट इज रूल नंबर रूल नंबर सेवन करके और ये रूल नंबर सेवन है सेल ऑफ एग्रीकल्चर produced जो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको अगर आप सेल करते हो तो क्या होगा तो सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करके रूल है रूल नंबर सेवन कुछ मत लिखना आप सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दो इधर सब लोग इधर ध्यान देते जाओ आपको सब समझ जाएगा तो अगर मैं सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात करूं तो इसमें दो पार्ट सबसे पहले आप अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को रॉ फॉर्म में सेल कर देते हो सेल इन रॉ फॉर्म किसको बोलेंगे रॉ फॉर्म में आपने सेल कर दिया करके ठीक है क्या बोलते हैं मराठी में क्या बोलते हैं सेल इन रॉ फॉर्म को कच्चा बेच दिया सेल इन रॉ फॉर्म भाई मैं नहीं बोल रहा ठीक है तो सेल इन रॉ फॉर्म रॉ फॉर्म में बेच दिया अब यहां पे अगर मान लो रॉ फॉर्म में बेच दिया सेल इन रॉ फॉर्म तो तो आप मुझे एक बात बताओ आपकी टोटल इनकम एग्रीकल्चर ही होगी तो आपकी जो टोटल इनकम है आग्रिक... टोटल इनकम एग्रीकल्चर टोटल इनकम आपकी एग्रीकल्चर है एक तो रॉ फॉर्म में बेचा दूसरा यह हो सकता है कि नहीं नहीं रॉ फॉर्म में नहीं बेचा हमने कोई फर्दर प्रोसेस करके बेचा तो आपने क्या किया सेल आफ्टर प्रोसेस आपने कुछ प्रोसेस करके बेचा रॉ फॉर्म में जैसे पोटेटो है रॉ फॉर्म में बेच दिया तो तो पूरा एग्रीकल्चर इनकम दूसरा नहीं नहीं आपने तो क्या किया कुछ प्रोसेस करके बेचा अब एक बात समझना आप अगर कोई प्रोसेस करके बेच रहे हो तो प्रोसेस में दो पार्ट सबसे पहले जो आप प्रोसेस कर रहे हो वो जरूरी है ए प्रोसेस प्रोसेस, प्रोसेस इज कंपल्सरी फॉर सेल प्रोसेस इज कंपल्सरी फॉर सेल ऐसा हो सकता है ना कभी कभी प्रोसेस करना जरूरी है सेल करने के लिए उस प्रोसेस के बिना सेल होगा ही नहीं जैसे आप एक मुझे बात बताओ आपने दाल खाई दाल दाल तो खाते होंगे सब लोग हाँ दाल किससे बनती है मूंग से जो मूंग होता है वो आपको क्या लगता है जो ब्लैक कलर का मूंग देते हैं ग्रीन कलर का आपको क्या लगता है पेड़ पे ही ऐसे ही लग जाता है क्या कैसे ऐसे ऐसे झापट मारी उसको और नीचे गिर गया बोला दे दो मूंग आया चलो बनाओ दाल बनाओ खाओ ऐसा होता है क्या नहीं इसमें कैसा होता है आपने देखा होगा कि जो मूंग बनता है ना मूंग सबसे पहले एक फली आती है इतनी बड़ी मूंगफली नहीं मूंगफली इज डिफरेंट नहीं तो ये लोग क्या ज्वाइंट कर लेते हैं ठीक है, है? मूंग और अभी इन्होंने फली बोला तो ये मूंगफली की बात कर रहे होंगे नहीं जो मूंग होता है वो एक तो ग्रीन कलर की आपने बीन्स खाई होगी घर पे तो वही जब थोड़ी पक जाती है थोड़ा और ज्यादा उस पर धूप वूप गिरती है तो ब्लैक हो जाती है पूरी अब वो ब्लैक होती है वो एज एज इट इट इज इज मार्केट में नहीं बिकती एस अगर उसको ब्लैक को तोड़ के उस पौधे से और मार्केट में बेचने जाए तो कोई नहीं खरीदता उसको क्या करना पड़ता है पहले क्रश करना पड़ता है उसको क्रश किया जाता है थ्रेशर में डाला जाता है और थ्रेशर में डालने के बाद उसमें से मूंग निकलते हैं और वो मूंग फिर मार्केट में बिकते हैं तो मुझे बताओ वो जो मूंग की एक फली थी उस फली से मूंग निकाला और मूंग निकाल के मार्केट में बेचा यह प्रोसेस कंपल्सरी था कि नहीं था, था कंपल्सरी तो मुझे बताओ ये प्रोसेस अगर कंपल्सरी था तो ऐसा बोलू कि अगर उसको मूंग को बेचने से भी जो इनकम होगी वो टोटल एग्रीकल्चर इनकम ही होगी टोटल एग्रीकल्चर इनकम होगी तो जो मूंग को बेचने से जो इनकम हुई वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम क्योंकि वो प्रोसेस कंपल्सरी थी लेकिन अगर मान लो आप कोई ऐसी प्रोसेस करते हो जो ऑप्शनल है अगर आप कोई ऐसी प्रोसेस करते हो जो ऑप्शनल है प्रोसेस इज ऑप्शनल मुझे एक बात बताओ जो पोटेटो है वो पोटेटो मार्केट में बिकता है कि नहीं पोटेटो मार्केट में बिकता है कि नहीं यस और नो आप अगर उस पोटेटो से चिप्स बना रहे हो ये प्रोसेस ऑप्शनल है या कंपलसरी है आपकी मर्जी अभी क्यों बना रहे हो पोटेटो बिकता है ना तो पोटेटो बेच दो ना क्यों बना रहे हो आप लेकिन आप तो भी प्रोसेस करके बेच रहे हो जो ऑप्शनल प्रोसेस है या सुगर कैन जो है वो सुगर कैन मार्केट में बिकता है तो सुगर कैन अगर मार्केट में बिकता है तो फिर आप यार सुगर कैन बेच दो ना क्यों सुगर बना के बेच रहे हो तो आप ऑप्शनल प्रोसेस कर रहे हो तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि इस केस में अगर मान लो आपकी प्रोसेस है वो ऑप्शनल है आप ऑप्शनल प्रोसेस करके बेच रहे हो तो इसमें आपकी पार्टली इनकम है वो एग्रीकल्चर होगी पार्टली इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम होगी और बेटा पार्टली इनकम ऐसी है जो आपकी बिजनेस इनकम होगी कुछ इनकम ऐसी होगी जो आपकी बिजनेस इनकम होगी और कुछ इनकम ऐसी होगी जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी लेकिन सर कैसे डिसाइड करें कि कितनी एग्रीकल्चर है और कितनी बिजनेस है कैसे डिसाइड करें करके ठीक है तो आप एक काम करो ना मैं फिर एक एग्जांपल लूंगा पहले मैं लिख लेता हूं फिर मैं एग्जाम्पल लूंगा लॉ मेकर्स बोलते हैं कि आप एक काम करिए एग्रीकल्चर इनकम निकालने के लिए सबसे पहले ले लीजिए एफ एम वी ऑफ एफ एम वी मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस भाई जो आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस कर रहे हो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू उसी पॉइंट पे ले लो कि अगर मार्केट में जाके बेचते तो कितना पैसा आता और माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है उसके जो कल्टीवेशन के वगैरह खर्चे थे वो आप माइनस कर दो आपके पास में ये जो इनकम बचेगी ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम है एंड बाबू अब बिजनेस की इनकम कैसे निकालना तो बिजनेस की इनकम निकालने के लिए आप एक काम करो सबसे पहले ले लो सेल ऑफ फाइनल प्रोडक्ट जो आप चिप्स बेच रहे हो वो कितने में बेच रहे हो इसमें से माइनस कर दो एक तो एफ एम वी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एफ एम वी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यूज कितना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपने खुद का यूज किया था और माइनस कर दो फर्दर प्रोसेस कॉस्ट माइनस कर दो फर्दर प्रोसेस कॉस्ट तो आपको मिल जाएगा आपको मिल जाएगा इन दोनों चीजों को माइनस कर दो तो आपको यहां पे मिल जाएगा आपका पीजीबीपी का इनकम पीजीबीपी मतलब बिजनेस का इनकम एक एग्जाम्पल लेंगे एग्जाम्पल से सब चीजें समझने की कोशिश करेंगे एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए अपन एक काम करते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं बाद में आप कॉपी करिएगा कोई दिक्कत नहीं एक बंदा लेते हैं जिसका नाम है एक बंदा है जिसका नाम क्या नाम रखिए किसका नाम किसान किसको बनना है बोलो देवांश तुम्हारा नाम है तो इसका बाजू वाले का नाम क्यों बोलता है तू भाई खुद का नाम बोल दिया कर तुम्हारा नाम क्या है मीत ना हाँ तो कितना बढ़िया नाम है मीत कोई मिलने वाला है नहीं तुम सुबह एक बंदा है जिसका नाम है मीत क्या नाम है मीत और क्या है मीठ हाँ एक बंदा है जिसका नाम है मीट करके ठीक है एक बंदा है उसका नाम है मीट और ये किसान है करके ठीक है ये किसान है इसने क्या किया इसने मीट प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस ऑफ पोटेटो। इसने पोटेटो प्रोड्यूस किए एक हजार टन करके ठीक है खेत में तो इसने क्या किया मीट प्रोड्यूस ऑफ पोटेटो और इसका जो कॉस्ट आया था वो कॉस्ट मान लो सत्तर हजार रुपए आया था सत्तर हजार कॉस्ट आया था किस चीज का जो कल्टीवेशन वगैरह किया होगा तो कल्टीवेशन सीड्स लगाया होगा पानी दिया होगा ट्रैक्टर से खुदाई की होगी वगैरह जुताई की होगी जो भी है तो उसका सेवेंटी थाउजेंड का कॉस्ट आया था अब एक बात बताओ मतलब अब है ना एक बात बताओ बंदा कुछ बोले ही नहीं बंदा कुछ बोले ही नहीं मेरे को अब है ना पढ़ाने के लिए मेरे वर्ड पहले ढूंढ के आने पड़ेंगे ठीक है हाँ इसलिए मैं रॉ फॉर्म में तो मैं बोला ही नहीं हिंदी में ठीक है रॉ फॉर्म ही रखा तो प्रोड्यूस वन थाउजेंड टन ऑफ पोटेटो कॉस्ट जिसका सेवेंटी थाउजेंड आया अब एक बात समझना इसने क्या किया ये जो एक हजार टन पोटेटो थे एक हजार टन पोटेटो में से दो सौ टन पोटेटो तो रॉ फॉर्म में ही बेच दिया दो सौ टन सोल्ड इन रॉ फॉर्म फॉर सेलिंग प्राइस इज वन लैख थर्टी थाउजेंड मतलब इसने वन लैख थर्टी थाउजेंड में दो सौ टन पोटेटो मार्केट में बेच दिया सीधा मार्केट में बेच दिया लेकिन आठ सौ टन का जो पोटेटो था 800 टन वो इसने फर्दर प्रोसेस किया फर्दर प्रोसेस किया और फर्दर प्रोसेस करके और उसका फर्दर प्रोसेस कॉस्ट आया मान लो तीन लाख रुपए का और उसके बाद में इसने उससे चिप्स बनाई और चिप्स बना के चिप्स को सेल कर दिया पंद्रह लाख रुपए में अब आप अगर मैं बताऊं आप अगर बिना कुछ दिमाग लगाए अगर मैं आपको एक मिनट का टाइम दूं और आप मुझे ये बताओ कि मीट की एग्रीकल्चर इनकम कितनी होगी और बिजनेस इनकम कितनी होगी जस्ट यूज योर माइंड माइंड को यूज करो. Mister, आप एक बार अपने दिमाग को यूज करो एक मिनट लो पूरा मेरा क्वेश्चन को समझ लो कि मीट ने क्या किया अपने खेत पे एक हजार टन पोटेटो प्रोड्यूस किया जिसका कॉस्ट था कल्टीवेशन का सत्तर हजार. दो सौ टन सीधा मार्केट में बेच दिया एक लाख तीस हजार में और 800 टन से चिप्स बनाया चिप्स बनाने का खर्चा तीन लाख आया और चिप्स बेच दी बाद में पंद्रह लाख में अब बताओ इसमें क्या होना चाहिए कैसे एग्रीकल्चर इनकम और कितना बिजनेस इनकम ट्राई आप एक बार आराम से दिमाग लगा के बताओ कि कितना एग्रीकल्चर इनकम और कितना बिजनेस इनकम चलो तो जो भी जिसका जो आंसर आया <laughs> उसके हिसाब से ऑनलाइन वालों इधर देखो ऑनलाइन वाले और जो बाजू के क्लास में बैठे हैं वो भी तुम लोग हाथ वात छोड़ो ये पास में जो बैठे हो एक दूसरे के नहीं हाथ नहीं अब नहीं बेटा वो पकड़ने की ये जाएगी अभी नहीं ये सच में पीछे दिख रही है मैं ऑनलाइन वाले उस क्लास में बैठे उनकी बात कर रहा हूं बेटा हाथ नहीं हाँ बिल्कुल नहीं हाँ चलो मैं आपको ये सॉल्व कराता हूं

तो मैं बोलूं कि 200 टन पोटेटो है वो उसने रॉ फॉर्म में बेचा और कितने में बेचा एक लाख तीस हजार में हा और इसकी प्रोपोर्शनेट कॉस्ट कितनी आई होगी तो मैं बोलूं आपका सत्तर हजार टन की थी तो 200 टन की प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितनी आई होगी फोर्टीन थाउजेंड आई होगी तो भाई फोर्टीन थाउजेंड अगर आप इसमें से लेस कर देते हो तो आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम कितनी हुई एक लाख सोलह आ जाती। ये आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम हो गई हाँ भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को अब एक बात बताओ आपने प्रोसेस करके और बेचा आप जो प्रोसेस कर रहे हो वो ऑप्शनल है या मैंडेटरी है ऑप्शनल है है या मैंडेटरी ऑप्शनल प्रोसेस है? है, नहीं, है आप ऐसे भी पोटेटो बिकता था आपकी ऑप्शनल प्रोसेस है तो इसमें क्या होगा जब ऑप्शनल प्रोसेस है तो कुछ पार्ट एग्रीकल्चर होगा कुछ पार्ट बिजनेस होगा एग्रीकल्चर कितना होगा तो देखो लॉमेकर बोलते हैं कि आप लॉजिकली सोचो यहां एक हजार टन पोटेटो में से 800 टन पोटेटो फर्दर प्रोसेस कर रहे हो अगर आप फर्दर प्रोसेस नहीं करते और आप यहीं पे पोटेटो बेच देते तो आप मुझे बताओ कितने में बेचते 800 टन 800 टन कितने में बेचते आप ऐसे निकाल सकते हो क्योंकि आपने 200 टन एक लाख तीस हजार में बेचा तो 800 टन भी तो वहां पे बेच सकते थे फाइव लैख ट्वेंटी थाउजेंड तो मैं ये बोलू, ये फेयर मार्केट वैल्यू आ गई पोटेटो की जिस दो 200 टन का एक लाख तीस हजार सेलिंग प्राइस है तो मार्केट वैल्यू इसकी कितनी होती फाइव लाख ट्वेंटी थाउजेंड तो बेटा आपको देखो एग्रीकल्चर इनकम कितनी होगी तो एग्रीकल्चर इनकम के लिए यहां पर मैंने लिया फाइव लैख ट्वेंटी थाउजेंड है यह आपकी फर्दर प्रोसेस जो आप पोटेटो कर रहे हैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकाली मैंने क्या लिखा है ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फर्दर फर्दर प्रोसेस प्रोसेस मत करो प्रोसेस। वहीं पे बेच दो अगर बेचते तो कितना फाइव ट्वेंटी आता और उसकी कल्टीवेशन की कॉस्ट कितनी थी कल्टीवेशन की कॉस्ट आठ सौ टन की कितनी थी फिफ्टी सिक्स थाउजेंड क्योंकि सत्तर हजार हजार टन की थी तो आठ सौ टन की कितनी आ गई फिफ्टी तो यहां पे फिफ्टी 56,000 को लेस कर दिया तो बचेगा कितना 4, 64, ये आपकी चलो हम फर्दर प्रोसेस नहीं करते यहीं पोटेटो को बेच दो तो यहीं पे पोटेटो को बेचते तो ये रेट में नॉर्मली बेचते क्योंकि मार्केट में इस रेट में भी कहा है तो फेयर मार्केट वैल्यू कितनी होती माइनस इसकी कल्टीवेशन की कॉस्ट जो बचता वो एग्रीकल्चर इनकम अब आप एक काम करो आपने तो फर्दर प्रोसेस किया तो ये फर्दर प्रोसेस वाला जो प्रोसेस है इसको मान लो ये पूरा तुम्हारा बिजनेस से अलग ये मान लो कि ये बिजनेस है ये मान लो ये बिजनेस बिजनेस है है अब एक बात समझ दा। अगर ये है, तो बिजनेस में अब इनकम कितनी आएगी तो लॉजिकली सोचिए सेल प्रोडक्ट ऑफ द सेल प्राइस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट मैंने चिप्स कितने में बेची पंद्रह लाख में हाँ भाई मैंने जो चिप्स बेची वो चिप्स पंद्रह लाख में बेची तो सेल ऑफ फाइनल प्रोडक्ट है ये पंद्रह लाख आ गया मैंने बेटा फर्दर प्रोसेस कॉस्ट कितना लगाया था तीन लाख तो तीन लाख मेरा फर्दर प्रोसेस कॉस्ट लगा अब एक बात बताओ ये तो पोटेटो मेरा खुद का था मतलब खुद ने ग्रो किया था इस बंदे ने अगर खुद ग्रो नहीं करता सिर्फ बिजनेस करता तो मार्केट से खरीदता और मार्केट से कितने में खरीदता फाइव लैख ट्वेंटी थाउजेंड तो यही इधर बिजनेस के लिए क्या बन जाएगी कॉस्ट तो फाइव लैख ट्वेंटी थाउजेंड है ये मैं इधर ले लूंगा अब बताइए नेट कितना बचा सिक्स लैख सिक्स लेख एटी थाउजेंड है ये पीजीबीपी का इनकम आएगा तो नेट एग्रीकल्चर का इनकम कितना आया पता एक तो ये वाला और एक ये वाला ये एग्रीकल्चर का इनकम और ये तुम्हारा बिजनेस का इनकम तो देखो जब भी आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेल करते हो तो आपकी इनकम कैसे होगी दो पार्ट अगर आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को रॉ फॉर्म में बेच दिया रॉ जैसा था वैसा बेच दिया तो तो पूरा एग्रीकल्चर आपने फर्दर प्रोसेस किया आपको देखना पड़ेगा प्रोसेस जरूरी है या ऑप्शनल है अगर प्रोसेस सेल के लिए जरूरी है तो तो जो प्रोसेस करने के बाद भी बेचा वो एग्रीकल्चर है बट प्रोसेस ऑप्शनल है तो दो पार्ट में एक एग्रीकल्चर एक बिजनेस एग्रीकल्चर कितना होगा कि अगर आप फर्दर प्रोसेस ना करते और इसको यहीं पे बेच देते जहां प्रोसेस कर रहे हो ना वहीं पे बेच देते तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है वो ले लो माइनस उसका कल्टीवेशन का कॉस्ट कितना था ले लो वो एग्रीकल्चर इनकम अगर आपने इधर बेच दिया होता तो अब आप बिजनेस में आओ बिजनेस में आप क्या करते फाइनल चिप्स कितने में बेचा माइनस करिए चिप्स बेचा फाइनल कितने में बेचा उसमें से माइनस करिए कि अगर मान लो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट से खरीदते वो पोटेटो तो कितने में खरीदते और फर्दर प्रोसेस कॉस्ट कितनी है वो लेस कर दो आपको मिल जाएगा एग्री सॉरी बिजनेस का इनकम एक क्वेश्चन नंबर टू है देखिए क्या दे रखा है सब लोग इधर देखिए सब लोग क्या दे रखा क्वेश्चन नंबर फोर में क्वेश्चन नंबर फोर है फोर नहीं क्या बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं क्वेश्चन नंबर थर्टीन है और क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्या है बुक कब मिलेगी बुक आज सबको डिस्पैच हो चुकी है पूरे इंडिया में आपको मिल जाएगी दो तीन दिन में ठीक है तब तक मैं यहां पे क्वेश्चन दिखा रहा हूं तो आप यहां से देखिए बुक मिलने के बाद बुक से देखना तुम लोग मेरा मजाक उड़ाते हो ठीक है पाप लगेगा एक दिन क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे आ जाओ देखो क्वेश्चन आपकी नोटबुक का पेज नंबर यहां पे लिखोगे अगर आपके पास बुक आ गई है तो नहीं आई तो कोई बात नहीं आप नोटबुक में टेक्स्ट बुक का पेज नंबर लिखोगे मिस्टर बी ग्रो सुगर कैन एंड यूजेस द सेम फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सुगर बंदा सुगर कैन को ग्रो करता है सुगर कैन समझते हो ना क्या उगर कैन उस, 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 उस. तो एंड यूज इज द सेम फॉर दर्पज ऑफ मैन्यूफेक्चरिंग ऑफ साकर ठीक है इन फैक्ट्री इन हिस्सा अब उसने क्या हुआ हाँ अब उसने क्या किया थर्टी परसेंट ऑफ शुगर केन प्रोड्यूस इज सोल्ड फोर द टेन लैक मतलब उसने तीस परसेंट शुगर केन तो एज इट इज मार्केट में बेच दिया दस लाख में तो वो तो पूरी एग्रीकल्चर इनकम है द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सच सुगर कैन इज फाइव लैस का कल्टिवेशन का खर्चा पांच लाख आया था नेट एग्रीकल्चर इनकम यहाँ पे पांच लाख आ गया द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ बैलेंस सुगर केन जो था उसकी कल्टिवेशन की फोर्टीन लैक आई थी एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सेम इज ए ट्वेंटी टू लैख अगर उस बैलेंस वाले शुगर केन को मार्केट में बेचने जाता तो ट्वेंटी टू लैख में बेचताट वैल्यू दे रखी होगी ठीक है अब आफ्टर इंक्रिंग दन पॉइंट फाइव लैख इन द मैन्यूफेक्चरिंग प्रोसेस ऑन द बैलेंस सुगर केन सुगर वॉज सोल्ड फॉर ट्वेंटी फाइव लैक्स कंप्यूट बेज बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम इसकी बिजनेस इनकम और एग्रीकल्चर इनकम है वो आपको निकालनी है तो चलिए अपने एक काम करते हैं साथ साथ में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे सिमिलर क्वेश्चन है जैसा मैंने पोटेटो वाला एग्जाम्पल लिया था वैसा उसमें तो उल्टा एफ एम बी अपने को दे नहीं रखी थी यहां पर पोटेटो की एफ एम बी कितनी है वो तो अपने इसमें एक प्रपोशनल बेसिस पे ली थी इसमें स्पेसिफिक दे रखी है तो स्पेसिफिक वाली फेयर मार्केट वैल्यू लेने का तो चलिए हम चालू करते हैं आपका यह क्वेश्चन नंबर कौन सा है क्वेश्चन नंबर थर्टीन पेज नंबर बंदा कौन है पहले आप किंडर गार्डन में पढ़ाते थे हाँ उसमें क्या हुआ तो तुम उनसे कोई कम नहीं हो तुम भी वैसे ही हो तुम्हारे लखन तो वैसे ही है लखन समझते हो लक्षण लक्षण तो चलो अपन सबसे पहले निकालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम एग्रीकल्चर इनकम तो कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम ऑनलाइन वाले फैजान भाई या कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम हाँ तो कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम में सबसे पहला तो सेल ऑफ सेल ऑफ सुगर कैन इन रॉ फॉर्म अरे लिखो लिखो तुमको भी लिखना हाँ देखो मत ए तुम लोग हंस क्यों रहे हो यार मेरे को शर्म आ रही है ऐसे हंसते हैं मेरे को लगता है यार मैं मुंबई से आया मतलब मेरे पर तुम हंसोगे टेन लाख माइनस मैं मैंने बात ही नहीं करूंगा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन फाइव तो एक तो ये पूरा एग्रीकल्चर इनकम हो गया 30%. नहीं वो थर्टी परसेंट ही दे रखा है हाँ देखो एक बार फाइव <laughs> लाख जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन वो थर्टी परसेंट का ही दे रखा है ये मैं हाँ अब नहीं बोलूंगा ठीक है ये लोग मेरी मजाक उड़ाते है करके ठीक है मेरी मजाक उड़ा रहे हो मैं नहीं बोलूंगा आप ठीक है अरे ये तो छोटे बच्चों को ऐसे ही बोलते हैं ना सुगर कैन फर्दर प्रोसेस शुगर कैन फर्दर प्रोसेस कितने किए थे उसमें अपन लेंगे एफ एम बी ऑफ सुगर कैन फर्दर ये देखो ये कैलकुलेटर गिरा रहा है बाबू अरे बाबू का मतलब तो बाबू तो बच्चों को बोलते हैं ना नहीं बोलते किसको बोलते हैं महिला मित्र को बाबू बोलते हैं हाँ ट्वेंटी टू लैख एंड माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितना दे रखा है फोर्टीन लैख दे रखा है उसका सेवेंटी परसेंट का बाबू भी ना बोलो इनको बस अब तो एट लैख आ गया तो ये आपका टोटल एग्रीकल्चर इनकम इज फाइव लैख प्लस एट लैख राइट थर्टीन लैख आएगा कैलकुलेटर से भी सेम आएगा देखो एक फिर मैं मजाक उड़ा रहे हूँ मैं मेरी मतलब मैं, मैं मेरी मम्मी को जाकर कंप्लेन करूंगा करूं। ऐसे बंदे की मजाक उड़ाते हैं बंदे को बोलते तुम बाबू मत बोलोगे फिर ठीक है तो बाबू तो अच्छा वर्ड है ना उल्टा कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम बिजनेस इनकम को अपन शॉर्ट में हर बार पीजीबीपी बोलेंगे बिजनेस इनकम तो बिजनेस इनकम में सबसे पहले बिजनेस इनकम निकालेंगे एफएमवी सॉरी नो सॉरी सॉरी सेल ऑफ सुगर सेल ऑफ साकर कितने पे बेचा ट्वेंटी फाइव लैख में बेचा था जिनके पास बुक है वो बता दो ट्वेंटी फाइव ,00 लैख इसमें से क्या क्या लेस होगा एक तो फर्दर प्रोसेस कॉस्ट लेस होगा वन लैख फिफ्टी थाउजेंड और दूसरा लेस होगा एफ एम ऑफ सुगर केन यूज्ड एफएमबी ऑफ़ सुगर के यूज़ 22 लाख जो एफएमबी इधर एग्रीकल्चर इनकम में ये लिया था ये एज इट इज यहाँ पे ले लीजिए तो कितना आया वन लाख वेरी गुड ये आया पीजीबीपी का इनकम ये आया पीजीबीपी का इनकम लिखो सम स्पेसिफिक सम स्पेसिफिक रूल्स फॉर टी कॉफी एंड रबर सम स्पेसिफिक रूल्स फॉर टी कॉफी एंड रबर रबर समझते हो ना रबर 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 भी समझते हैं आप लोग कॉफी रबर बहुत मुश्किल है रब्बर नहीं समझते है आप लोग। छोटे बच्चे से इरेजर नहीं समझते वो किससे बनता है वो पौधे से बनता है पता है? आपको ये पता है? आपको क्या लगता है इरेज़र प्लास्टिक से बनता है नहीं। एक कचरे से बनता है। पेंसिल के कचरे से ओ ये लो और ये बोलते हैं हमको आप हम बोलते हो लखन ही तुम्हारे ऐसे है। चलो सम स्पेसिफिक रूल्स फॉर टी कॉफी एंड रबर अब आप लिखिए सबसे पहले रूल नंबर एट रूल नंबर एट होता है दैट इज इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी मिन्स आप ग्रो भी कर रहे हो और मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हो ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी अगर आपका ऐसा है कि इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी है तो उस पर्टिकुलर केस में आपकी फोर्टी परसेंट है वो बिजनेस इनकम होगी एंड सिक्सटी परसेंट है वो एग्रीकल्चर इनकम होगी सिक्सटी परसेंट इनकम एग्जेक्ट है फोर्टी परसेंट टैक्सेबल है फोर्टी परसेंट बिजनेस इनकम सिक्सटी परसेंट आपकी एग्रीकल्चर इनकम ये तो हो गया तुम्हारा रूल नंबर एट उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखो रूल नंबर सेवन बी करके ये रूल नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है सिर्फ आपको याद रखना है टी ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो फोर्टी सिक्सटी होगा रूल नंबर सेवन बी में लिखो इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी कॉफी के केस में क्या होगा इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी अगर आप इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ कॉफी कॉफी अगर है तो कॉफी में दो पार्ट अगर मान लो आप ग्रोन करते हो आप क्या करते हो ग्रोन एंड क्योर बस आप दो ही एक्टिविटी करते हो ग्रोन करते हो मीस कॉफी उगाई और उसको क्योर करके बेच दिया मतलब दो एक्टिविटी करके आपने बेच दिया कॉफी ग्रोन एंड क्योर सिर्फ दो ही काम करते हो तो इसमें आपका 25 परसेंट आपका बिजनेस इनकम होगा एंड 75 परसेंट आपका एग्रीकल्चर इनकम होगा 25 परसेंट बिजनेस इनकम 75 परसेंट एग्रीकल्चर इनकम लेकिन अगर आप मान लो और कुछ एक्टिविटी करके बेचते हो क्या क्या करते हो तो आप ग्रो करते हो क्योर करते हो उसके बाद रोस्टेड करते हो एंड ग्राउंडेड करते हो मतलब चार काम करके बेचते हो आप लोग ग्रो करते हो क्योर करते हो रोस्टिंग करते हो और ग्राउंडिंग करते हो और उसके बाद में कॉफी को बेच देते हो तो उसके बाद में अगर आप कॉफी को बेच देते हो तो आपका फोर्टी परसेंट है वो तो बिजनेस इनकम होगा एंड सिक्सटी परसेंट वो आपका एग्रीकल्चर इनकम होगा फोर्टी परसेंट बिजनेस इनकम एंड सिक्सटी परसेंट है वो एग्रीकल्चर इनकम एंड लास्ट एक रूल नंबर लिखिए रूल नंबर सेवन ए करके क्रिंग रबर प्लांट से निकलता है रबर का प्लांट होता है रबर के प्लांट से रबर निकलता है तो अगर आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर करते हो ना तो आप एक काम करो थर्टी फाइव परसेंट वो तो आपका बिजनेस इनकम है एंड सिक्सटी फाइव परसेंट है वो आपका एग्रीकल्चर इनकम है बस देखिए ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर हाँ भाई <laughs> गवर्नमेंट ने डिसाइड किया अप्रोप्रिएट परसेंटेज भाई इसमें अगर डिवाइड भी करें तो इतना बिजनेस का कंपोनेंट होना चाहिए इतना एग्रीकल्चर टी नहीं ये फिक्स है कांस्टेंट है ये चेंज नहीं होता ये एवरी ईयर चेंज नहीं होता ये लास्ट के पंद्रह साल से तो मैं देख रहा हूं कॉन्स्टेंट है हाँ ये लर्न करना पड़ेगा रूल नंबर नहीं करना सिर्फ परसेंटेज याद रखना है सॉरी हा एक सेकेंडा शी इज आस्किंग समथिंग गुड वॉट यू आर सी इनकम टैक्स सो मेनी परसेंटेज आर देयर हाउ टू रिमेंबर ना या मैं बता रहा हूं अभी इनकम टैक्स रेट तो आपको याद रखनी पड़ेगी पांच परसेंट बीस परसेंट तीस परसेंट वो तो याद हो जाएगी अब यहां पे परसेंटेज में आपको सबसे पहला डाउट तो ये रहेगा कि ये परसेंटेज कहां से आया कैसे उन्होंने निकाला होगा तो उन्होंने क्या किया एक एग्जाम्पल लिया होगा कि भाई अगर चाय की पत्तियां आपने बोई पत्तियां बेचने से जो इनकम होती है वो पूरी एग्रीकल्चर है फिर उन्होंने क्या किया होगा कि पत्तिया का है कि भाई उसकी मार्केट वैल्यू कितनी रही होगी और उसके जो इनकम है उनके पास में आई होगी कि नॉर्मली सिक्सटी परसेंट हो रही है और उसके आगे जो चाय जो ब्लैक कलर की आती है वो बना के बेचने से और फोर्टी परसेंट इनकम होती है तो गवर्नमेंट ने एक रीजनेबल बेसिस लेके और बोला आपको झंझट से मुक्त करते हैं आप सब मत निकालो हम एक काम करते हैं आपकी जितनी टोटल इनकम होगी फोर्टी सिक्सटी कर देते हैं तो उनको जो परसेंटेज वहां पे अप्रोप्रिएट लगा वो परसेंटेज उन्होंने यहां पे यूज किया तो देखिए सबसे पहली चीज हम लोग इसमें रूल तो है ना ऐसा है सेवन ए सेवन बी और एट तो आपने ऐसा क्यों लिखा क्यों है क्योंकि रूल वाइज देखोगे तो सेवन ए पहले आना चाहिए हा हा या ना सेवन बी बाद में आना चाहिए एट बाद में आना चाहिए तो फिर आपने ऐसा क्यों लिखा है पहले एट फिर सेवन बी और सेवन ए क्योंकि देखो अगर मैं ऐसा बोलू ना रबर कॉफी टी कितना बुरा लगता है और अगर मैं ऐसा बोलूं टी कॉफी रबर कितना स्मूथ जाता है मतलब एक बात सिंपल सी चीज है आपको अगर बोला जाए रबर कॉफी टी बोले पता है क्या बोल रहा है भाई और अगर ऐसा बोला टी कॉफी रबर कितना अच्छा लगता है तो इसके लिए मैंने ऐसा लिखा है जिससे टी कॉफी रबर टी कॉफी टी कॉफी टी कॉफी रबर अब टी के, के केस में फोर्टी सिक्सटी बोलो फोर्टी सिक्सटी फोर्टी सिक्सटी फोर्टी परसेंट बिजनेस सिक्सटी परसेंट एग्रीकल्चर अगर मैं कॉफी के केस में बोलू अगर सिर्फ ग्रो करके क्योर करके तो तो के अब एक बात परसेंटेज तो याद रह जाता है, कि भाई चलो, 40, 60 है जब ने, अपने भाई, यहाँ पे भी 40, 60 होता है ना शायद कोई तुम्हारे बीकॉम का रूल है ना क्या है इंटरनल फोर्टी सिक्स होता है क्या हाँ जो छोड़ दो बट हाँ, 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 ये भूल जाते हैं कौन सा एग्रीकल्चर है और कौन सा बिजनेस है हमेशा याद रखो इंडिया में ज्यादा लोग एग्रीकल्चर करते हैं बिजनेस करते हैं इंडिया की मेजर पॉपुलेशन इज इंटू एग्रीकल्चर तो ज्यादा वाला परसेंटेज क्या रहेगा एग्रीकल्चर और कम वाला क्या रहेगा तो 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 अगर याद आ जाए क्या 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 क्या? क्या है? Business. 60 क्या है? 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 25-75 25 75, तो 25 क्या है? Business. 75 क्या है? Agriculture. और 35-65 35 35 65 में बंदा आता है ना बोलता है, वो वो बंदा है ना बोला करके ठीक है अब एक बात बताओ अब एक दूसरे को बता रहे कौन सा हवाला करके ठीक है बाद में ब्रेक में बता देना हाँ सॉरी इन तीनों के लिए क्यों अच्छा हाँ एक बात बताओ गवर्नमेंट ने सर इन तीनों के लिए ही रूल क्यों दिए हैं बाकी गेहूं के लिए क्यों नहीं दिए तो नॉर्मली गेहूं ऐसा होता है ना जो नॉर्मली गेहूं आप बेच देते हो तो एग्रीकल्चर है पूरा मतलब गेहूं से चपाती बना के बेचना इज वेरी रेयर या गेहूं से आटा बना के बेचना ज्यादातर लोग नहीं करते ऐसा या फिर आप अगर मान लो बात करोगे के शुगर कैन तो सुगर कैन डायरेक्टली बिक जाता है मिल्स में तो सुगर कैन से आप ही सुगर बना के बेचते हो ऐसा बहुत रेयर होता है या फिर पोटेटो से चिप्स बना के बेचना बहुत बट ये टी में तो ऐसा होगा ही होगा टी में आप देखोगे नाइनटी नाइन परसेंट जो लोग है टी बागान वाले हैं वो चाय पत्ती ही बेचते हैं सब प्रोसेस खुद ही करते हैं और चाय पत्ती बेचते हैं कॉफी में भी ऐसा ही होता है रबर में भी होता है इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट ने तीनों के लिए स्पेसिफिक रूल ही बना दी बाकी लोगों के लिए नॉर्मल जैसा रूल नंबर अपन ने सेवन में पढ़ा था कि आपको कैसे डिवाइड करना है वैसे अपन डिवाइड करेंगे और ये रूल में सीधा दे रखा है चलिए अपन एक काम करते हैं सीधा चलते हैं एक क्वेश्चन पे और आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन आ जाइए सब लोग क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन या फैजान भाई दिस इज बिजनेस चलो इधर देखो वो ऐसा बोलता है ना चलो छुटकी देखो इधर इधर देखो इधर कल से मैं इधर बोर्ड करवाऊंगा इसको चेंज करेंगे आप मैं इधर आ जाऊंगा और मैं ऐसा कुछ करेंगे हाँ चलो मिस विविथा मिस विविथा मिस विविथा हाँ क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन नहीं क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है बुक मिलेगी हाँ क्वेश्चन तो, लिखने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन क्यों ही लिखोगे मैं छोटा था तो मेरे, मेरा मेरा नोटबुक एक भर गया तो मेरे ने फिर दूसरी नोटबुक मंगाई उससे बड़ी वाली और जो नोटबुक भर गया था वो वापस मैं नोटबुक में कॉपी करने लग गया मेरे को किसी ने बताया ऐसा नहीं होता है स्कूल में एक नोटबुक भर जाती है उसके बाद दूसरी नोटबुक में नए से चालू करते हैं

कोंकण में होता है तो कोंकण में होता है तो वो बंदा वहीं से था तो वो गाँव गया था गांव से आया तो मेरे लिए वो कैन लेके आया और मुझे बोला कि सर ये कोकम शरबत है बहुत बढ़िया है हमारे घर पे बनाया हुआ है और उसके ऊपर कुछ लेबल वेबल स्टिकर वस्टिकर वे नहीं होता नाम वाम कुछ नहीं बिकॉज वो दैट रॉ फॉर्म होता है ना तो उसने ला मुझे दे दिया और मैं घर पे गया घर पे रखा और मैंने किचन में ले जाकर उसको रख लिया अब किचन में लगा के रख लिया मेरी मम्मी भी उस टाइम आई हुई थी तो मैं लेक्चर से आया था फिर एक घंटे पर बाद वापस मैं गया किचन में मैंने सोचा कोकम शरबत मैं पी लेता हूँ तो मैंने ऐसा का ऐसा एक और कैन पड़ा था जो बर्तन धोने का साबुन था सेम के ना, सेम बिल्कुल फर्क नहीं वो भी पिंक कलर दिख रहा है ये भी पिंक कलर तो भाई साहब मैंने क्या किया पहले ग्लास में मैंने मैंने उसको पूछा था था कैसे पीने कर था। वो तो था आधा ग्लास पानी और थोड़ा सा ये डाल के ऐसे पीना रहता। मैंने आधा ग्लास पानी लिया पहले फिर वो जो कोकम शरबत जो मुझे लग रहा था कोकम शरबत है वो मैंने लिया और मैंने आधा ग्लास वो भर दिया पूरा ग्लास और मैंने एक घुट पिया और पीने के बाद झाक भाग होने लगे एकदम गढ़वा गढ़वा लग रहा है मैंने मम्मी को बोला मम्मी ये क्या है ठीक है मुंबई बोले ये तो बर्तन धोने का साबुन है।, तो है ना <laughs> ठीक है तो उधर से देखा फिर मैंने वो पीके और मम्मी ने बोला डॉक्टर के पास चला जा मैंने कहा कुछ नहीं होता मम्मी ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में मैं अंदर जाके सो गया रूम में मम्मी हर घंटे में आके देख रही है मम्मी मैंने मम्मी को देख लिया मैंने कहा मम्मी जिंदा हूं क्यों टेंशन ले रही हो इतना करके ठीक है मेरे साथ ऐसा हो गया करके ठीक है ये बोलती है अच्छा है पेट साफ हो गया आपका तो भरोज कर लिया करो मतलब कुछ भी चलो आ जाओ ये मिस विविता अ रेजिडेंट एंड ऑर्डनरीली रेजिडेंट इन इंडिया ये जो विविता है ये रेजिडेंट एंड ऑर्डनरीली रेजिडेंट इन इंडिया मतलब इंडिया में ही रहती है करके ठीक है हैज डिराइव फॉलोइंग इनकम फ्रॉम द वेरियस ऑपरेशन बेटा पेन नहीं घुमाओ फॉलोइंग इनकम फ्रॉम वेरियस ऑपरेशन रिलेटिंग टू द प्लांटेशन एंड स्टेट्स ओन बाय इसके खुद के स्टेट्स है स्टेट्स का मतलब बागान होते हैं बागान है खुद के ठीक है ड्यूरिंग दर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर तो सबसे पहला है कि इनकम फ्रॉम सेल ऑफ द सेंट्री लेटेक्स प्रोसेस फ्रॉम द रबर प्लांट ग्रोन इन दार्जिलिंग तो दार्जिलिंग में कोई रबर प्लांट है और इसके खुद के प्लांट है और उस प्लांट से उसने रबर बनाया जिसको लेटेक्स बोला जाता है और वो उसने बेच दिया तो उससे जो इनकम हुई वो थ्री लैख की हुई आप बताइए यहां पे कौन सा परसेंटेज लगेगा थर्टी फाइव परसेंट सिक्सटी फाइव परसेंट तो सिक्सटी फाइव परसेंट एग्रीकल्चर एंड थर्टी फाइव परसेंट बिजनेस टैक्सेबल कितनी होगी थर्टी फाइव परसेंट सिक्सटी फाइव परसेंट क्या है एग्जेन उसके बाद इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी कॉफी है वो सेल की ग्रोन एंड क्योर इन दूर तमिलनाडु तो तमिलनाडु में कोई जगह है वहां पर आपने कॉफी को सिर्फ ग्रो किया है क्योर करके बेच दिया तो कितना आएगा ट्वेंटी फाइव परसेंट सेवेंटी फाइव परसेंट नेक्स्ट पार्ट इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रो किया क्योर किया रोस्टेड किया ग्राउंडेड किया इन द कोलंबो सेल कंसिडरेशन वॉज रिसिवेड चेन्नई मुझे एक बात बताओ कितना परसेंट होगा इसमें हाँ आपने सेल ऑफ कॉफी ग्रोन क्योर रोस्टेड ग्राउंडेड किया इन कोलंबो एक बात बताओ कोलंबो कहां पे है एग्रीकल्चर इनकम एग्रीकल्चर इनकम तभी मानी जाती है जब वो इंडिया में हो रही है इंडिया के बाहर से अगर कोई इनकम है ना तो वो पूरा टैक्सेबल है तो भैया यहां पे फोर्टी सिक्सटी नहीं होगा हंड्रेड परसेंट आपका बिजनेस का इनकम होगा यहां पे बिजनेस का इनकम होगा हंड्रेड परसेंट यहां पर एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम तभी होती है जब वो एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया में होनी चाहिए इंडिया में होनी चाहिए तभी वो एग्जाम इंडिया के बाहर है तो वो एग्जाम नहीं है नेक्स्ट पार्ट इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर इन द शिमला इसका कितना होगा फोर्टी सिक्सटी एंड इनकम फ्रॉम सैपलिंग एंड सीडिंग ग्रोन इन द नर्सरी एट कोचिंग नर्सरी है आपकी सैपलिंग सीडिंग कर रहे हो करके ठीक है एंड बेसिक ऑपरेशन वर नॉट कैरिड आउट बाय हर ऑन द लैंड बेसिक ऑपरेशन लैंड पे नहीं कर रहे थे फर्स्ट फ्लोर पे मान लो नर्सरी उगा रहे थे हो सकता है फर्स्ट फ्लोर पे नर्सरी पौधे उगा रहे हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे उगा के बेचे नर्सरी की इनकम आपकी हंड्रेड परसेंट एग्रीकल्चर होती है हंड्रेड परसेंट क्या होती है एग्रीकल्चर आपसे पूछा है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम ऑफ मिस विविथा फॉर दर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव आपको इसकी बिजनेस और एग्रीकल्चर की इनकम है वो कैलकुलेट करनी है तो चलिए अपन बिजनेस और एग्रीकल्चर की इनकम है वो कैलकुलेट करना चालू करते हैं हाँ चलो तो अपन क्या करेंगे चलिए इधर देखिए हा उसका टाइमिंग होता है मिस विविथा प्रीवियस ईयर तेबिस चौबीस कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड बिजनेस इनकम उसके बाद यहां लेते हैं पर्टिकुलर पहले ले लेते हैं बिजनेस इनकम दूसरा एग्रीकल्चर इनकम पर्टिकुलर बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम आप फॉर्मेट बना रहे हो सर इतना गंदा कौन ही बनाएगा यहाँ पे एक परसेंटेज का कॉलम और डाल देते की इनकम है अरे रबर की थ्री लैख है ना जिनके पास बुक है उनकी बात कर रहा हूं थ्री लैख ये क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है ऊपर लिख लेना क्वेश्चन नंबर पेज नंबर तो इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रबर थर्टी फाइव परसेंट तो तीन लाख का थर्टी फाइव परसेंट कितना होता है वन लाख फाइव थाउजेंड और एग्रीकल्चर इनकम वन लाख नाइन्टी फाइव थाउजेंड था। 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 उसके बाद इनकम फ्रॉम कॉफी ग्रोन एंड क्योर आपने ग्रो एंड क्योर किया है तो ट्वेंटी फाइव परसेंट एंड सेवेंटी फाइव परसेंट तो वन लाख की इनकम का ट्वेंटी फाइव परसेंट वेरी गुड बेटा क्या नॉलेज है आपको भारत रत्न मिलना चाहिए इनकम फ्रॉम कॉफी ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड ग्राउंडेड इन कोलंबो कोलंबो ये कोलंबो जो है ये आउटसाइड इंडिया में आता है ठीक है इट्स बिजनेस सो कोलंबो हंड्रेड परसेंट बिजनेस तो ये ढाई लाख है उसके बाद इनकम फ्रॉम पी तो चार लाख मल्टीप्लाई बाय फोर्टी परसेंट वन लाख सिक्सटी थाउजेंड एंड टू लाख फोर्टी थाउजेंड एंड लास्ट इज इनकम फ्रॉम नर्सरी क्या बात कर रहा है और दूसरे वाले का थाउजेंड नाइनटीन या 90? 90, सही है तो जो बिजनेस की इनकम होती है वो तो क्या होती है टैक्सेबल होती है उस पर टैक्स भरना पड़ता है बिजनेस की इनकम जो होगी ये बिजनेस की इनकम पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा टैक्सेबल है और एग्रीकल्चर की इनकम क्या है एग्जेंट अंडर सेक्शन टेन क्लॉज नंबर वन हाँ चुटकी इधर देख क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देखिए क्या दे रखा है एक्सप्लेन विद ब्रीफ रीजन वेदर द फॉलोइंग इनकम कैन बी रिगार्डेड एज एग्रीकल्चर इनकम और नॉट क्या ये इनकम एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं

तो देखिए यहां क्या दे रखा है इंस्टीट्यूट ने रेंट रिसीव फॉर लेटिंग आउट एग्रीकल्चर लैंड फॉर द मूवी शूटिंग एज पर सेक्शन नंबर टू बने सेक्शन नंबर याद नहीं रखनी एग्रीकल्चर इनकम मीन आई रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम द लैंड अगर लैंड से कोई रेंट और रेवेन्यू होता है और विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज अगर आगे वाले ने उसको एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज किया होता और उसका अगर रेंट मिलता तो तो वो तुम्हारा एग्रीकल्चर इनकम था अदरवाइज ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है

ज पर एक्सप्लेनेशन नंबर थ्री ऑफ सेक्शन टू बने अभी एक्सप्लेनेशन नंबर वगैरह सेक्शन नंबर ये याद नहीं रखना आपको ठीक है इनकम डिराइव फ्राम सैप्लिंग एंड सीडिंग नर्सरी इज डीम टू बी एग्रील्चर इनकम वेदर बेसिक ऑपरेशन वर कैड आउट ऑन द लैंड देयर फॉर द अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ सीडलिंग्स इन द नर्सरी एडजस्टेड्रीकल्चर लैंड ओन बायससी कॉन्स्टिट्यूट द एग्रीकल्चर इनकम ये तुम्हारा एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा एक और क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन देखो क्या दे रखा है मिस्टर राजा बोलो राजा राजा चौबीस in को ग्रो किया और क्योर करके बेच दिया उससे टेन लैक का इनकम हुआ लेकिन उसका फ्रेंड है श्याम रेजिडेंट इन इंडिया अर्न इनकम ऑफ ट्वेंटी लैख फ्रॉम द सेल ऑफ कॉफी ग्रोन क्यों रोस्टेड एंड ग्राउंड बाई हेम इन इंडिया ड्यूरिंग द असेसमेंट इ्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव वॉट वुड बी द बिजनेस इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन ऑफ द राजा एंड श्याम एक बात बताओ मैं बताऊ राजा के हाथ में तो ट्वेंटी फाइव परसेंट बिजनेस होगा क्योंकि कॉफी क्या हो रहा है सिर्फ ग्रोन एंड क्योर एंड बेटा जो उसका दोस्त है उसके हाथ में ग्रोन क्यों रोस्टेड ग्राउंडेड सब है तो कितना होगा फोर्टी सिक्सटी 40, 60 income है, वो आपका एग्रीकल्चर होगा तो बट सॉरी परसेंट एग्रीकल्चर तो आप देखोगे पे business income निकालना था, तो पहले का ऑफ टेन लैक और दूसरे का फोर्टी परसेंट ऑफ द ट्वेंटी इनकम यू गॉट माई पॉइंट नंबर फोर्टी दे रखा है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पे आ जाइए सब लोग क्वेश्चन नंबर पंकज क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पे आ जाइए और देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्या दे रखा है आपकी बुक में अगर आपके पास बुक है तो बुक में देखिए नहीं है बुक अभी तक हो सकता है ऑनलाइन वालों को अभी तक नहीं मिली होगी तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं पेज नंबर आपकी बुक में चार रहेगा शायद चार एक क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्या है समझने की कोशिश करना हमारी गवर्नमेंट कितनी चालाक है उस चालाकी को मैं आपको यहां दर्शाने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 14 में देखो मिस्टर एक्स 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 मतलब एक्स करके ठीक है तुम्हारा एक्स या तुम्हारी एक्स नहीं है होगा भी नहीं तो एक बात बताओ मिस्टर एक्स रेसिडेंट हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ हिज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 2324 इस साल की इनकम दे रखी है सबसे पहले दे रखा है इनकम फ्रॉम सैलरी सैलरी की इनकम 480000 like है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करके दे रखा है 2, 50, है की से हुई और तो मुझे एक बात बताओ आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम कितनी हुई एक बार इसको लेस करके बताओ ना थ्री लैख ये तुम्हारी नेट एग्रीकल्चर इनकम हुई हाँ भाई आपसे पूछा है बड़ा सिंपल सा

जो अपन ने अभी तक पढ़ा है उसके हिसाब से मुझे बताओ ये सैलरी की इनकम टैक्सेबल होगी या नहीं होगी होगी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम टैक्सेबल होगी और एग्रीकल्चर की इनकम एक्सम होगी तो एग्रीकल्चर की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा तो एक बात बताओ इस तीन दस को हटा दो बाकी आपकी बाकी इनकम कितनी है फोर एटी एंड टू फिफ्टी कितनी है एट लैख सेवन लैख सेवन लैख सेवन लैख कैलकुलेटर यूज कर लेने का ठीक है सेवन लैख थर्टी थाउजेंड तो मुझे बताओ आपको अगर मैं ये बोलू क्या एग्रीकल्चर इनकम पे तो टैक्स लगता ही नहीं है सेवन थर्टी जो है उस पर टैक्स निकालो तो आप टैक्स निकाल के बताओ कितना आएगा टैक्स सेवन थर्टी पर स्लैब रेट से ऐसे ही टैक्स निकालो कैलकुलेटर पर कितना आता है आपकी नेट टैक्सेबल इनकम हुई सेवन थर्टी तो सेवन थर्टी पर टैक्स कितना आता है इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी कर लो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी कर लो अरे वो टीवी क्यों ब्लिंक हो रहा है बार बार हाँ भाई कितना है सिक्सटी थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड इतना टैक्स आ रहा है उत्कर्ष फैजान सबने निकाला सिक्सटी थाउजेंड एट फोर्टी है ये सिक्सटी थाउजेंड एट फोर्टी का आपका टैक्स आ रहा है अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम को आप एग्जेप करते है। और होती है अब देखो, आपने जो निकाला ना, याद और देखते हैं क्या एग्रीकल्चर इनकम पे अब टैक्स लगता है या नहीं वो तो एग्जेम होती है तो देखो अब अपन सॉल्यूशन करने जा रहे हैं आप कुछ भी लिखना मत कुछ टाइम के लिए कुछ टाइम के लिए कुछ भी नहीं लिखना पहले इस एस का नाम क्या है मिस्टर तो मैं अच्छे से लिखूंगा डोंट वरी बहुत अच्छी राइटिंग में प्रीवियस ईयर तेबिस चौबीस असेसमेंट ईयर चौबीस पच्चीस हम पहले इसकी टोटल इनकम निकालते हैं। चलो ये तो तुम भी साथ साथ में कर दो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम टोटल इनकम का मतलब होता है पांचों हेड की इनकम पांचों हेड की टोटल इनकम तो पांचों हेड की टोटल इनकम अगर अपन निकालने जाते हैं तो मैं बताऊं इसमें आपकी जो इनकम है सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी दे रखा है इनकम फ्रॉम सैलरी कितना दे रखा है इनकम फ्रॉम सैलरी कितना दे रखा है फोर लैख एटी थाउजेंड दूसरा आपको दे रखा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना दे रखा है हाउस प्रॉपर्टी है वो आपको टू लैख फिफ्टी थाउजेंड दे रखा है और एक बात बताऊ एग्रीकल्चर इनकम एक्जेम्ट होती है बट ये अदर सोर्सेज में आती है क्योंकि एग्रीकल्चर ना तो आपका सैलरी है ना हाउस प्रॉपर्टी है ना ये कोई बिजनेस है ना ये कोई कैपिटल गेन है तो ये अदर सोर्सेज में आती है लेकिन अदर सोर्सेज में एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्ट हो जाती है तो मैं यहां पे लेता हूं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और अदर सोर्सेज में मैंने यहां पे बताई एग्रीकल्चर इनकम एग्रीकल्चर इनकम नेट नेट एग्रीकल्चर इनकम कितनी है? लाख, लाख लाख और ये तीन दस यहीं पे exempt हो जाएगी under section इस पे कोई भी नहीं लगता, तो पूरा तीन लाख दस हजार है तो इनकम है वो निल. Exemption का मतलब होता है कि कोई इनकम ऐसी जिसपे टैक्स नहीं लगता दैट इज कॉल्ड एग्जेपन इसको बोला जाता है एग्जेपन एग्जेपन तो नेट एग्रीकल्चर इनकम आपकी थ्री लैख टेन थाउजेंड थी और ये एग्जेम हो गई इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगा इसी टोटल को बोला जाता है टोटल टोटल इनकम जब आप पांचों हेड की करते हो तो इसको बोला जाता है ग्रॉस टोटल इनकम या शॉर्ट में इसको बोल सकते हो जीटीआई तो जीटीआई आपका कितना आया सेवन लैख हा से थर्टी थाउजेंड अब इसमें से अगर कोई डिडक्शन है तो वो आप लेस करोगे डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स ए करके ऐसा लिखते हैं अब ये क्यों लिखते हैं क्या लिखते हैं आगे आएगा तो यही आपकी हो गई नेट टैक्सेबल इनकम नेट टैक्सेबल इनकम इज सेवन लैख थर्टी थाउजेंड नेट टैक्सेबल इनकम इज सेवन लैख थर्टी थाउजेंड इतना लिखने के बाद रुक जाओ इतना लिखने के बाद आप रुक जाओ एग्रीकल्चर इनकम अदर सोर्सेज में जाती है क्योंकि यह बिजनेस नहीं है इट्स नॉट अ बिजनेस ना चलो हा दिस इज बिजनेस दिस इज बिजनेस दूसरा होता है ये बिजनेस नहीं है चलो अब आप रुक जाओ हा डिडक्शन अंडर चैप्टर डिडक्शन ऐसा लिखते हैं डिडक्शन यूज लेस सी अंडर चैप्टर सिक्स ए ये डिडक्शन कुछ होते हैं ए टी सी ए टी डी वगैरह वो सब डन अभी आप रुक जाओ अगर आपको बोला जाए सेवन थर्टी पे ही टैक्स निकालना है स्लैब रेट से तो आप कितना टैक्स निकालोगे अभी तो निकाला था आपने कितना आया था सिक्सटी थाउजेंड एट फोर्टी बट हमारी गवर्नमेंट है ना वो बड़ी चालाक है चालाक ब्रो तो गवर्नमेंट बोलती है कि एग्रीकल्चर इनकम हम एग्जेप्ट करते हैं चलो हम एग्जेम कर देते हैं लेकिन अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई अब आप पेन pen, पेंसिल छोड़ दो तीन कंडीशन है वो अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो आपको एग्रीकल्चर इनकम को एक बार टैक्स कैलकुलेट करते टाइम कंसिडर करना पड़ेगा बोला कौन कौन सी कंडीशन पहले तो ये बता दो पहली कंडीशन असेसी इंडिविजुअल एच बीआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन मीन जिसपे स्लैब रेट का बेनिफिट मिलता है वो असेसी होना चाहिए तो पहली कंडीशन तो असेसी इंडिविजुअल एच यूएफ एओपी बी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन मतलब जिसपे स्लैब रेट का बेनिफिट मिलता है वो असेसी होना चाहिए दूसरी कंडीशन आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम पांच हजार से ज्यादा होनी चाहिए और तीसरी कंडीशन आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जेम्शन से ज्यादा होनी चाहिए तो पहली चीज क्या हमारे क्वेश्चन में ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं सबसे पहला क्या एस एस सी इंडिविजुअल एच यूएफ एओपी बीवाई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है या नहीं है क्योंकि यहां पे एस कौन है इंडिविजुअल दूसरी चीज क्या नेट एग्रीकल्चर इनकम पांच हजार से ज्यादा है या नहीं है क्योंकि नेट एग्रीकल्चर इनकम कितनी है तीन लाख दस हजार तीसरी कंडीशन तुम्हारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो क्या बेसिक एग्जाम से ज्यादा है या नहीं है तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो यहां पे पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा और पार्शियल इंटीग्रेशन में क्या होगा पता है पहले आप टैक्स निकालोगे किस पे टोटल इनकम प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम पे मीन आप लीजिए पहले टोटल इनकम आपकी टोटल इनकम कितनी है सात तीस और नेट एग्रीकल्चर इनकम जो तीन दस है उसको एड करके उस पर टैक्स निकाल दीजिए आप बोलोगे सर ये तो आप गलत कर रहे हो क्योंकि आपने डे वन पे तो ये बोला था एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगता ही नहीं वो तो एग्जेम होती है और यहां पे आप क्या करा रहे हो टोटल इनकम में नेट एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करके उस पर टैक्स निकलवा रहे हो उस उसमें टैक्स निकलवा रहे हो मिस टोटल इनकम में नेट एग्रीकल्चर इनकम को एड करके टैक्स निकलवा रहे हो सर ये तो गड़बड़ हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया फिर सेंट्रल गवर्नमेंट रुकती है बोलती है रुको अगली लाइन में बोलते हैं कि जो तुम्हारी बेसिक एग्जामेशन होती है ना बेसिक एग्जामेशन जैसे नॉर्मल पर्सन के केस में ढाई लाख सीनियर सिटीजन के केस में तीन लाख और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में पांच लाख इस बेसिक एग्जाम्शन में

तो टैक्स कैसे निकालना है पहले जो तुम्हारी टोटल इनकम है उसमें एग्रीकल्चर इनकम को एड करके उस पर टैक्स निकाल दो और फिर एक काम करो कि जो बेसिक प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम है उसको एड करके उस पर टैक्स आया वो लेस कर दो तो बचेगा उतना टैक्स भरना पड़ेगा अब देखो चालाक ब्रो यहां पे है ना इनडायरेक्टली गवर्नमेंट थोड़ा सा टैक्स ले लेगी कैसे लेगी वो मैं बताता हूं आप कुछ मत लिखिए आप सिर्फ इधर देखते जाइए कुछ मत लिखिए मैं यहां पे बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिखूंगा अच्छी राइटिंग में लिखूंगा जिससे कि आप बाद में कॉपी कर सकते हैं आप पहले इधर देखिए अब हम इस पर कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी करने जा रहे हैं तो मैं यहां पे कैलकुलेट करने जा रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी तो टैक्स लाइबिलिटी निकालते टाइम आपको क्या करना है सबसे पहले आप पॉइंट ए में टैक्स निकालो टैक्स ऑन टोटल इनकम जो आपकी है उस पर और प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम तो देखो आपकी टोटल इनकम कितनी है बोलो सेवन लाख थर्टी थाउजेंड हां भाई और नेट एग्रीकल्चर इनकम कितनी है थ्री लाख तो तीन लाख तीन लाख दस हजार है क्या तो तीन लाख दस हजार ओ भाई तीन लाख दस हजार टोटल कितना हुआ तो पहले आप टैक्स निकालो टेन लैख फोर्टी थाउजेंड पे टेन लैख फोर्टी थाउजेंड पे सबसे पहले आप टैक्स निकालो तो चलो मैं टेन फोर्टी पे टैक्स एक काम करता हूं मैं यहां पे टेन फोर्टी पे टैक्स निकालने जाता हूं इन द नोट नंबर वन और इसकी एज जो है वो कितनी एज है पहले वाले एग्जाम्पल में फोर्टी फाइव तो मैं बोलू ढाई लाख का बेसिक एग्जामेशन मिलेगा तो मैं एक काम करता हूं यहां पर मैं नोट लिखता हूं नोट नंबर वन और यहां पे मैं टैक्स निकालता हूं टैक्स ऑन टेन लैख फोर्टी अब एक बात बताओ टेन लैख फोर्टी पे टैक्स निकालेंगे तो अप टू टू लैख फिफ्टी थाउजेंड सार्थक डैश पे डैश और टू लैख फिफ्टी से लेके और आपका 5 लैख तक का इनकम होगा उस पर फाइव कितना 12,500 5 पांच से लेके और आपका 10 लैख तक का जो इनकम होगा उस ट्वेंटी परसेंट दैट्स कम्स टू वन लैख और बेटा अगर टेन लैख से लेके और टू टेन लैख और फोर्टी थाउजेंड पे आपका थर्टी परसेंट टैक्स कितना बारह हजार टोटल करो कितना एक लाख चौबीस हजार तो बोले चलो एक लाख चौबीस हजार पांच सौ पहले ले लीजिए आप अब एक बात बताओ हा ल, लिट वो लिटर पार्ट में ठीक है अब एक बात समझना रुक जा रुक जा एक लाख चौबीस हजार पांच सौ आपका टैक्स आया अब आप तो यहां पे बोलोगे कि सर ये तो गड़बड़ कर लिया आपने आपने एग्रीकल्चर इनकम पे भी टैक्स लगवा दिया ये तो फिर पहले दिन गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि हम तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लेंगे और यहां पे आपने तो एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करके उस पर भी टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट बोलती है टेंशन मत लो हम लेस करवाते हैं ना वापस गवर्नमेंट बोलती है कि अब आप एक काम करो बी पॉइंट में आप टैक्स निकाल दो आपकी जो बेसिक एग्जेमिशन है ना उस बेसिक एग्जामेशन तो प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम नेट एग्रीकल्चर इनकम मुझे बताओ बेसिक एग्जामेशन कितना ढाई लाख है तो ढाई लाख प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम कितना है तीन लाख दस हजार तो टोटल आपका कितना हो गया पांच लाख तो बोलते हैं पांच लाख साठ हजार रुपए टैक्स निकाल के आप माइनस कर दो तो हम बोलेंगे एग्रीकल्चर इनकम पे तो हमने टैक्स लिया ही नहीं तो एक बात बताओ अब मैं यहां पे नोट नंबर टू ले रहा हूं और नोट नंबर टू में मैं टैक्स निकाल रहा हूं टैक्स ऑन 5 लाख 60000 अब चलो 5 लाख 60000 पे जब आप टैक्स निकालते हो तो अप टू 2 लाख 50000 कितना टैक्स आया डैश पे डैश 2 लाख 50000 से लेके और आपका 5 लाख तक कितना टैक्स आया 5% 1250 और बेटा 5 लाख से लेके और आपका फाइव लैख सिक्सटी थाउजेंड तक कितना टैक्स आया ट्वेंटी परसेंट कितना आया बारह हजार तो टोटल कितना हुआ चौबीस हजार तो ये बोलते हैं चौबीस हजार पांच सौ को लेस कर दो लो चौबीस हजार पांच सौ को लेस कर दो तो बचा कितना अब बोलते हैं कि ये एक लाख जो बचा ना इस एक लाख में अब आपका सरचार्ज लगता है तो सरचार्ज लगा दो सरचार्ज तो नहीं लगेगा क्योंकि आपकी इनकम है वो आपकी फिफ्टी लैख से ज्यादा नहीं है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा या नहीं लगेगा तो ऐड कर दीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस रेट फोर परसेंट तो चार हजार आएगा कैलकुलेटर से भी सेम ही आएगा तो वन थाउजेंड है ये आपका आया, अब मुझे बताओ एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा के नहीं लगा एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा या नहीं लगा पहले तो आपको बोला था एग्रीकल्चर इनकम एग्जेमट एग्जाम है, एग्जम्त है क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम पे एक बात बताओ अगर एग्रीकल्चर इनकम नहीं होता तो आपका टैक्स साठ हजार आता एग्रीकल्चर इनकम के होने से आपका टैक्स है वो एक लाख चार हजार हुआ अप्रोक्स अप्रोक्सटी सॉरी फोर्टी फोर थाउजेंड के करीब टैक्स बढ़ गया आप मुझे बताओ कि क्यों टैक्स आया किस रीजन से आया एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स निकाल के तो वापस लेस तो किया है ना यहां पे ऐसा क्यों आया कब आया हाँ? क्यों क्यों आया हा यहां इनडायरेक्टली टैक्स आया मतलब डायरेक्टली तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं आया इनडायरेक्टली टैक्स आया कब आया क्यों आया एक बात बताओ अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम ना होती तो मैं बताऊं आपको 730 थर्टी पे टैक्स लगता सेवन तो थर्टी आपके कौन से वाले टैक्स ब्रैकेट में जाता एक तो पांच परसेंट और उसके बाद बीस परसेंट उसमें ही जाता। अब तुम क्या कर रहे हो चालाकी करवा के तुम एग्रीकल्चर इनकम को एड करवाते हो तो तुम्हारी टोटल इनकम गई टेन लैख फोर्टी थाउजेंड तो यहां पर तुम पांच परसेंट के बाद बीस परसेंट वाले ब्रैकेट में भी आ गए और तीस परसेंट वाले ब्रैकेट में भी आ गए और लेस करवाते टाइम आप क्या लेस करवा रहे हो पता है बेसिक एग्जामेशन प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम तो बेसिक एग्जामेशन प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम तो यहां पे तो नेट एग्रीकल्चर इनकम पे जो टैक्स आ रहा है वो सिर्फ आपके पांच परसेंट ब्रैकेट में ही आ रहा है और थोड़ा बहुत बीस परसेंट वाले ब्रैकेट में जा रहा है लेकिन यहां जब इसको जब ऐड किया था तो ये तुम्हारे हायर ब्रैकेट मतलब तीस तक चला गया था तो इसके लिए ये लोग क्या करते हैं चालाकी से थोड़ा सा टैक्स ले लेते हैं पहले तो ऐसा बोलते हैं कि हम एग्रीकल्चर इनकम है एक्ट कर लो कोई टैक्स नहीं लगेगा टोटल इनकम में आएगा ही नहीं नहीं टैक्स लगेगा बट ये चालाक लोग बोलते हैं तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हुई कौन कौन सी इंडिविजुअल एओपी क्योंकि इन्हीं को स्लैब रेट का बेनिफिट मिलता है तो इन्हीं का तो स्लैब रेट बढ़वाना है इन्हीं को स्लैबरेट का बेनिफिट मिलता है इनका ही तो स्लैबरेट बढ़वाना है दूसरा नेट एग्रीकल्चर इनकम पांच हजार से ज्यादा होना चाहिए और तुम्हारी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम अदर इनकम है वो बेसिक एग्जामेशन से ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि अगर अगर एक बात बताओ ये ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम है ना बेसिक एग्जाम से कम होती तो तो आप रिफंड ले लेते कैसे तो तो रिफंड ले लेते एक बात समझो एक एग्जाम्पल लेता हूं मान लो ये सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम यहां सेवन थर्टी की जगह ही होती एक एग्जाम्पल ले रहा हूं वन थर्टी ही होती तो आप पहले टैक्स किस पे निकालते वन थर्टी प्लस थ्री टेन पे हाँ, वन थर्टी प्लस थ्री टेन कितना होता है कैलकुलेटर में करो हाँ और फोर फोर्टी पे स्लैब रेट से टैक्स कितना आता साढ़े नौ हजार हाँ हाँ साढ़े नौ हजार तो आप क्या करते हैं टोटल इनकम वन थर्टी और आपकी एग्रीकल्चर इनकम थ्री टेन फोर फोर थर्टी हुआ कितना फोर थर्टी हुआ फोर फोर्टी फोर फोर्टी पे टैक्स कितना आता साढ़े नौ हजार और लेस करते टाइम क्या करते हैं बेसिक एग्जेंप्शन प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम तो ये तो 560 तो 9500 में से अगर 24500 लेस कर देते तो तो यहां पे तो आप रिफंड ले लेते गवर्नमेंट से कि टैक्स दो हमारा वापस दो रिफंड दो तो इसके लिए ये चालाक है इन्होंने बोला कि ये कांसेप्ट तभी लगेगा ये आपको तभी करना है जब तुम्हारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जेम्स से ज्यादा है किससे ज्यादा है बेसिक एक्सम्शन से ज्यादा है ढाई लाख रुपए से ज्यादा है तभी आपको ये करने का है तो देखो मैंने बोला अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है पहला अससी इंडिविजुअल एच ए आर्टिफिशियल जुडिटिकल पर्सन है नेट एग्रीकल्चर इनकम है वो पांच हजार से ज्यादा है और उसकी अदर इनकम मीन एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी वाली जो इनकम है नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो बेसिक एग्जाम मीनस ढाई लाख से ज्यादा है तो आपको क्या करने का टैक्स निकालते टाइम पहले अदर इनकम इनकम और एग्रीकल्चर को जोड़ के उस पर टैक्स निकालो और फिर उसमें से लेस करो बेसिक एक्सम्शन प्लस एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ के उस पर जो टैक्स आता है वो माइनस कर दो तो जो भी बचेगा इतना आपको टैक्स है वो पे करना पड़ेगा अब एक बात बताओ अगर मेरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है ना वो मान लो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो मेरी बहुत ज्यादा है ठीक है तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा एग्रीकल्चर इनकम होने से क्योंकि मेरी स्लैबरेट ऑलरेडी मैं थर्टी परसेंट में जा रहा हूं आप एक काम करिए इस पार्ट को आप छोड़ दीजिए मैं अब जो करवा रहा हूं इसको कॉपी करिए एक बार इसको कॉपी करिए और इसके बाद जो दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है उसमें उसकी एज कितनी है सेवनटी फाइव है सेवनटी सेवेंटी ईयरस है एक बात बताओ अगर सेवनटी ईयर से आप अगर कैलकुलेट करते ओ भाई सेवेंटी ईयर से आप अगर कैलकुलेट करते तो आप यहां पे कैसे निकालते टोटल इनकम प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम मीन टेन लैक फोर्टी थाउजेंड पर टैक्स कौन सी रेट से निकालते थ्री लैख रेट यूज करते तो यहां पे आप थ्री लैख रेट यूज करते और यहां पे उसके हिसाब से टैक्स आता और लेस करते टाइम आप बेसिक एक्सामिशन में 250 की जगह कितना लेते हैं थ्री लैख कितना लेते हैं थ्री लैख तो चलिए एक काम करिए इसके ऊपर तो यहां पे दे दीजिए एज इज 45 इयर्स राइट एज इज 45 इयर्स और उसके बाद दूसरा पार्ट भी आप करेंगे जिसमें एज लिखेंगे सेवेंटी ईयर्स कॉपी करना चालू करिए आप जो आपको बोर्ड पे दे रखा है इसको कॉपी करना चालू करिए और फिर आप सेवेंटी ईयर्स लिखिए डीम्ड इनकम हेडिंग दीजिए डीम्ड इनकम ये डीम्ड इनकम का मतलब क्या होता है डीम डीम डीम्ड मतलब डीम्ड डीम्ड ऑनलाइन वाले प्यारे प्यारे बच्चों एक बात बताओ डीम्ड इनकम जो है वो डीम्ड डीम्ड का मतलब क्या होता है डीम्ड का मतलब है नहीं लेकिन मान लेंगे जैसे मान लो क्लास में कोई बच्चा है वो उसकी महिला मित्र से बात कर रहा है और हम लोग वहां पे जो आवाज निकालते हैं ऐसा बोलते है, ये आवाज में एक चीज है कि उन दोनों के बीच में कुछ है नहीं लेकिन हम मान लेंगे

और सेक्शन 68 होती है कैश क्रेडिट क्या होती है कैश क्रेडिट चलो पहले मैं समझा देता हूं उसके बाद में लिखवा दूंगा पहले समझा देता हूं लिखवा देता हूं सबका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए आप बोलोगे ये कैश क्रेडिट क्या होता है तो कैश क्रेडिट क्या होता है बताए आपके अकाउंट में कोई अमाउंट क्रेडिट हुआ आपके अकाउंट में कोई अमाउंट है वो क्रेडिट हुआ आपसे इनकम टैक्स वालों ने पूछा कि ये कहां से आया है और आ पता नहीं भगवान जी आए होंगे देखे चले के चले गए हमको पता नहीं कहां से आया तो अगर मान लो आपके पास में कोई अमाउंट क्रेडिट हुआ और आप ये बता नहीं पा रहे हो कि ये पैसा कहां से आया है। जैसे मैंने कुछ दिन पहले भी इसके बारे में जिक्र किया था पहले लेक्चर में कि आपके पास में कोई पैसा आया बैंक में और आप बता ही नहीं पा रहे हो कि ये पैसा कहां से आया तो अगर असेसिंग ऑफिसर को आप बता नहीं पा रहे हो मीन्स आप एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं पा रहे हो या फिर आप एक्सप्लेनेशन दे पा रहे हो लेकिन वो एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है सेटिसफैक्ट्री नहीं है मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि भगवान जी सपने में आए थे वो बोल के गए थे कि बेटा मैं तुमको कुछ ना कुछ दूंगा और उन्होंने मुझे पैसा दे दिया अब आप एक्सप्लेनेशन तो दे रहे हो भाई ऐसा तो नहीं बोल सकता ना इनकम टैक्स वाले के, नहीं नहीं तू तो बोल ही नहीं रहा चुप है मैं बोल तो रहा हूं कि भगवान जी आए थे भगवान जी बोल के गए थे कि मैं तुझे कुछ ना कुछ दूंगा उन्होंने बैंक में पैसा डाल दिया तो तो एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन दे ये दियाफेक्ट्री नहीं है ना तो सेक्शन सिक्सटी एट ये बोलती है, कि ये, जो है ये आपकी इनकम माना जाएगा क्या माना जाएगा इनकम माना जाएगा क्या माना जाएगा इनकम एंड गाइज ये जो डीम्ड इनकम मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं डीम्ड इनकम के केस में आपकी जो टैक्स रेट रहती है वो टैक्स रेट रहती है सिक्सटी परसेंट की और उसपे सरचार्ज लगता है ट्वेंटी फाइव परसेंट का और उसपे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है फोर परसेंट का इफेक्टिवली यहां पे सेवेंटी एट परसेंट की टैक्स रेट से टैक्स लगता है सेवेंटी एट परसेंट और सीए फाइनल में पढ़ेंगे कि दस परसेंट पेनल्टी और लगती है बट अभी 78 परसेंट अब आप में से बहुत सारे खजूर लोगों को डाउट आ रहा होगा कि 78 कैसे आया सर यहां पे तो सर 60 परसेंट प्लस 25 तो 85 तो इधर ही हो गया और फोर 89 होना चाहिए ना यहां है 60 का 25 परसेंट और जो दोनों की टोटल आया पिचहत्तर पिचहत्तर का चार परसेंट तो ये आपका 78 परसेंट टैक्स लगेगा अब एक बात समझना लास्ट ईयर इसमें एक और अमेंडमेंट किया और एक अमेंडमेंट क्या किया समझने की कोशिश करना इजीली आप समझ पाओगे हुआ क्या एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बीबी मिस्टर बीबी एक बंदा है ये लो एक बंदा है मिस्टर बीबी थोड़े थोड़े बाल आए हैं ठीक है मिस्टर बीबी ओ मिस्टर बीबी हाँ एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बीबी एक दूसरा बंदा है जिसका नाम है मिस्टर फैजान भाई मिस्टर फैजान भाई दूसरा बंदा कौन है फैजान भाई फैजान भाई का भी फोटो बना देते हैं यहाँ पे फैजान फैजान भाई जो है ये बोल रहे मलिंगा लग रहा है करके ठीक है अरे मलिंगा लग रहा है तो क्या फर्क पड़ता है तुमको मलिंगा लगे या सनत जय लगे तुमको क्या करना है फैजान भाई अब एक बात समझना तुमको क्या करना है तुम फैजान भाई में इतने इंटरेस्टेड मत रहो कॉन्सेप्ट में रहो तो फैजान भाई और एक बंदा है मिस्टर बीबी -बी। अब हुआ क्या फैजान भाई ने मुझे लोन दिया फैजान भाई ने क्या दिया मुझे और लोन दिया पचास लाख का कितने का पचास लाख का बीबी -बी को लोन दिया तो मैंने एंट्री क्या पास की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू फैजान भाई पचास लाख और फैजान भाई कहां गए होंगे बैलेंस शीट में या पीएनडल में बैलेंस शीट में गए होंगे फैजान फैजान भाई भाई तो भाई, ये बोल रहा पानी में गए पानी में बह जाती है फैजान तो फैजान भाई है वो बैलेंस शीट में गए अब मुझे एक बात बताओ मेरे को इनकम टैक्स वालों ने बुलाया एक दिन और मुझे बोला कि भाई बीबी सर ये जो आपने पचास लाख अपने बैंक अकाउंट में आया है आपने बुक्स में भी एंट्री पास की है ये कहां से आया है तो मैंने कहा सर सर देखो मैं तो मैं मैं तो कुछ पता नहीं ईमानदार आदमी एक नंबर का और मैंने जो ये पैसा है ये फैजान भाई से लिया है तो क्या फैजान भाई से क्या लिया है मैंने कहा लोन लिया है सर उन्होंने दिया है मुझे लोन मैंने लिया है इनकम टैक्स वालों ने फैजान भाई को बुलाया फैजान भाई, भाई को बुलाया इनकम टैक्स वालों ने और फैजान भाई को बुला के इनकम टैक्स वालों ने फैजान भाई से पूछा कि फैजान भाई एक बात बताओ ये पचास लाख ,00 जो तुमने बीबी सर को लोन दिया है ये पैसा तुमने कहां से लाया था पैसा जो है ये कहां से लाया था मतलब यहां पे पहले मेरे को बुलाया मेरे से पूछा कि कहां से लाया? मैंने कॉन्फिडेंस से बोला फैजान भाई से लोन लिया है मैंने तो बोला अच्छा फैजान भाई को बुलाया उठाया फैजान भाई को फैजान भाई को उठाया और उनसे पूछा कि तुम बताओ फैजान भाई ये पचास लाख ,00 कहां से कमाया था तुमने फैजान भाई को पूछा ये पचास लाख रुपया जो है ये तुमने कहां से कमाया था यहां पे फैजान भाई एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं पा रहे फैजान भाई बोल रहे पता नहीं कहां से आया था पता नहीं मैं तो भूल गया पता नहीं भगवान जी देके गए थे ठीक है मतलब फैजान भाई कुछ भी बोल रहे हैं ये पता नहीं अरविंद केजरीवाल ने भेज दिया होगा ठीक है कुछ भी बोल रहे हैं और हम अरविंद केजरीवाल के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं क्यों तो डर नहीं है हाँ इधर देखो अब एक बात बताओ मैं बाकी कुछ नहीं बोल सकता मेरे को पढ़ाना है ठीक <laughs> है हाँ तो इधर देखो सब लोग फैजान भाई एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं पा रहे जो दे ही नहीं पा रहे तो यहाँ लॉ में क्या लिखा पता है बताए अगर फैजान भाई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे कि ये पचास लाख उन्होंने कहां से लाया था कहां से कमाया था तो ये माना जाएगा कि बीबी सर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे ये माना जाएगा क्या बीबी सर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे और यह माना जाएगा कि बीबी सर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे तो यह पचास लाख रुपया जो है यह बीबी सर की इनकम मानी जाएगी ये क्या मानी जाएगी इनकम मानी जाएगी किसकी बीबी सर की ऐसा क्यों किया जैसे आजकल क्या होता था कि जैसे मान लो किसी गरीब को बेचारे को पकड़ लो उसका पेन नंबर अकाउंट खुलवा लो उसके बैंक में पचास लाख डाल दो और डाल के और फिर उससे लोन ले लो अब आपसे पूछा ये पैसा कहां से लाया बोला मैंने लोन लिया है भाई उससे अब उसको पकड़ के लाया हमको तो पता ही नहीं हमारे साथ क्या हुआ है करके हमारे साथ उसकी उसको तो पता ही नहीं उसके बैंक में ऐसा हुआ है तो भैया ये जो ये जो बंदा है इसने जो चिटिंग की है तो इसने अगर किसी से लोन लिया या बोरोइंग लिया है तो इसमें बताना पड़ेगा कि ये आगे वाला ये बंदे का सोर्स क्या है अगर ये नहीं बता पाया तो यह माना जाएगा कि यह बीबी सर की एक्सप्लेनेशन से नहीं है और बीबी सर के हाथ में औकात हुई और इनकम टैक्स ले पाया तो इधर सेवेंटी एट परसेंट टैक्स इनको भी लगेगा क्योंकि इनका एक्सप्लेनेशन सेटिसफेक्ट्री नहीं है और इनको भी सेवेंटी एट परसेंट टैक्स लगेगा इनको जो है वो इनको भी सेवेंटी एट परसेंट है वो टैक्स लगे अब एक और इसमें पॉइंट बोला कि अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लॉ में उसको बोला जाता है क्लोजली हेल्ड कंपनी क्लोजली हेल्ड का मतलब होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अब एक बात समझना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसने कोई शेयर इशू किए और शेयर इशू किए और किसी रेजिडेंट पर्सन ने इसके शेयर सब्सक्राइब कर लिए कोई रेजिडेंट पर्सन है उसने उसके शेयर जो है वो शेयर सब्सक्राइब किए एग्जांपल के लिए एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है हमारी कंपनी ने क्या किया शेयर इशू किए और शेयर खरीदे एक बंदे ने जिसका नाम है मिस्टर रजनी करके रजनी ने खरीदे और रजनी ने इस कंपनी में 1 करोड़ रुपया लगाया हमारे पास 1 करोड़ आया हमसे इनकम टैक्स वालों ने पूछा कि ये 1 करोड़ कहां से आया है तो हम बोल रहे हैं ये तो शेयर इशू उसका है। तो बोला शेयर किसको इशू किए तो बोला रजनी को रजनी को उठाया इनकम टैक्स वालों ने रजनी को पूछा के, बाबू ये एक करोड़ कहां से लाया था ये जो एक करोड़ है ये कहां से लाया था रजनी बोलता ठीक आ... है रजनी क्या बोल रहा है आ... पता है कहां से आया था ठीक है तो रजनी बोल रहा है पता नहीं कहां से आया था तो ये माना जाएगा कि इस कंपनी की एक्सप्लेनेशन सेटिस्फेक्ट्री नहीं है और कंपनी के हाथ में एक करोड़ टैक्सेबल हो जाएगा और बेटा इस कंपनी को इस पर सेवेंटी एट परसेंट टैक्स भरना पड़ेगा तो देखो यहां पे तीन पॉइंट मैंने सिखाए पहला पॉइंट तो नॉर्मल कैश क्रेडिट आपके अकाउंट में कोई भी पैसा आता है आपको उसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि भाई कहां से लाया है ये अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हो आप बोले या फिर आप दे पा रहे हो बट वो एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो जो भी क्रेडिट हुआ है वो आपकी इनकम माना जाएगा एंड इट इज टैक्सेबल अंडर आई एफ एस में जाता है ये और सीधा 78 से टैक्स लगेगा दूसरा क्या है कि अगर आपने किसी से लोन लिया और किसी से लोन लिया और वो आगे वाला पर्सन एक्सप्लेनेशन सही नहीं दे पा रहा है आगे वाला पर्सन बता ही नहीं पा रहा है कि उसने वो पैसा कहां से कमाया है कहां से लाया है तो ये माना जाएगा आपकी एक्सप्लेनेशन सेटिस्फेक्ट्री नहीं है और वो आपके हाथ में सीधा इनकम मान लिया जाएगा या फिर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसने शेयर इशू किया है और शेयर का पैसा किसी से मिला है और जो शेयर होल्डर से शेयर का पैसा मिला है वो शेयर होल्डर की एक्सप्लेनेशन सही नहीं दे पा रहा है कि उसने वो पैसा कहां से कमाया था तो ये माना जाएगा ये कंपनी की एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है और कंपनी के हाथ में ये टैक्सेबल हो जाएगा सेक्शन 69 लिखिए अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट लिखिए अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट इसमें लिखिए अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट वे लिखिए एक बार अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट लिखिए इफ इन एनी प्रीवियस ईयर इफ इन एनी प्रीवियस ईयर इफ इन एनी प्रीवियस ईयर एस एससी मेड इन्वेस्टमेंट if in any previous year assessee made investment and which are not recorded in books of account and which are not recorded in books of accounts and which are not recorded in books of accounts and assessee's explanation and assessee's explanation is not satisfactory and assessee's explanation is not satisfactory about the source and nature and assessee's explanation is not satisfactory about the source and nature then it is treated as deemed income of assessee then it is treated as डीम्ड इनकम ऑफ एस एससी देन इट इज ट्रीटेड एज डी इनकम ऑफ एस एससी अब बाबू ये क्या हुआ इधर देखो अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट तुम्हारा नाम क्या बेटा मयूर ना हाँ तो जैसे मान लो एक हमारा बंदा है जिसका नाम है मिस्टर मयूर क्या नाम है मयूर अब मयूर जो है इसका पूरे साल का सैलरी है पूरे साल का मिला के मान लो तीन लाख रुपया तीन लाख रुपया एग्जाम्पल है तो महीने का पच्चीस हजार रुपया पूरे साल का मिला के तीन लाख सैलरी है मयूर का अब मयूर का सैलरी तीन लाख है अब मयूर ने इस साल क्या किया बताया तुमको इस साल मयूर ने एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स खरीद लिए शेयर्स खरीद लिए मान लो पच्चीस लाख रुपए के पच्चीस लाख का इन्वेस्टमेंट किया ये रिलायंस में इसके साथ साथ इसने एक दुबई में घर और खरीदा है दो करोड़ रुपए का दो करोड़ रुपए का घर खरीदा कहां पे दुबई में दुबई में घर खरीदा दो करोड़ का रिलायंस के शेयर खरीदे पच्चीस लाख के

फिनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या कर रहे हो तुम ऐसा नहीं कि भाई जहां पे सो रहे 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 हो पैन कार्ड दूर रखो वैसा नहीं ये बोल रहे है? ये बोल बोल हम तो रूम पे रहेंगे तो पैन कार्ड को दूर रखेंगे पता पता नहीं नहीं उनको पता चल जाए क्या कर रहे हो करके ठीक है वैसा मतलब जितने आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं ना हर चीज डिपार्टमेंट के पास जाती है आपके कितने बैंक में अकाउंट है कौन से बैंक से क्या आपको इंटरेस्ट मिल रहा है कौन सी कंपनी के आपने शेयर खरीदे हर डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाती है

तो कम से कम दो करोड़ पच्चीस लाख की इनकम तो होनी चाहिए मयूर को बुलाया इनकम टैक्स वालों ने बोला बाबू ये कहां से लाया बोला ये बाबू ये तूने जो इन्वेस्ट किया है ये तो एक तूने बताया नहीं कहीं पे ये तो हमने ढूंढ के निकाला है तूने तेरे इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं बताया हमको पता चला है ये कहां से लाया पैसा ये वाला ये वाला ये पैसा इन्वेस्टमेंट किया है तूने इस एक्सप्लेनेशन दे कहा से लाया तो बोले भगवान जी ने दिया है

और टैक्स लगेगा कितना की रेट से लगेगा। ये सेक्शन है 69. तो 69 में क्या लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट इन विच नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड एक्सप्लेनेशन इज नॉट सेफैक्ट्री अबाउट द सोर्स एंड नेचर ऑफ दैट फंड इट इज ट्रीटेड एज द डीम्ड इनकम ऑफ असेसी अब एक और चीज in समझना आप लोग यहां पे सेक्शन 69 है ऐसी की ऐसी एक और सेक्शन है सेक्शन 69 ए करके लिखिए एक बार लिख लीजिए फिर समझाता हूं सेक्शन 69 ए लिखिए अनएक्सप्लेन मनी अनएक्सप्लेन अनएक्सप्लेन मनी लिखिए अनएक्सप्लेन मनी इसमें लिखिए लिखिए इफ इन एनी प्रीवियस ईयर if in any previous year the assessee is found to be owner if in any previous year the assessee is found to be owner owner of any money owner of any money comma jewelry money comma jewelry comma boolean b u l l i o n boolean jewelry comma boolean b u l l i o n etc etc and same is not recorded in books of accounts and same is not recorded in books of accounts same is not recorded in books of accounts and

देन देन वैल्यू ऑफ सच अ सेट दे वैल्यू ऑफ सच अ सेट शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड इनकम देन वैल्यू ऑफ सच अ सेट शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड इनकम वैल्यू ऑफ सच अ सेट शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड इनकम यह क्या हुआ पता है जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल अपन किसी का एग्जाम्पल लेते हैं ऑनलाइन एग्जाम्पल बहुत ले रहे हैं फैजान भाई भाई आप भी अपन से पकड़ दे दो चार लोगों को आदर्श नहीं ऐसे पैसे भी तो, बंदा भी तो तो बंदा पैसे वाला लगना चाहिए ठीक है ये बोलते आदर्श को ठीक है अब आदर्श पीछे बाल बांध के आया तुमको लगता ही नहीं पैसे वाला है बंदा हाँ आदर्श पानी भी पी रहा है चलो अपन एक काम करते हैं किसी का एग्जाम्पल लेते तुम्हारा बेटा क्या नाम है जिया ओके सो जिया जो है वो जिया जो है जिया के घर पे है ना एक दिन इनकम टैक्स वाले आ गए इनकम टैक्स वाले आते हैं ना घर पे इनकम टैक्स की रेट हो गई तो इनकम टैक्स वाले आए तो इनकम टैक्स वाले उन्हें आके जब भी इनकम टैक्स वाले आते हैं पता है आपको वो पूरा घर जो है कोई खबर नहीं मिलती भैया वो पूरा घर ऐसा चांद मारते हैं ये ऊपर जो पीओपी होती है ना ये सबसे पहले तोड़ते हैं आजकल आजकल ये क्योंकि लोग क्या करते हैं इसको हटा के और इसके अंदर डाल देते हैं गोल्ड वोल्ड गोल्ड की जो बिस्किट वगैरह होती है वो इसके अंदर डाल देते हैं तो आजकल तो सबसे पहले पीओपी तोड़ते हैं वो लोग सोफे वगैरह है वो फाड़े जाते हैं करके ठीक है उसके अंदर क्योंकि सोफे के अंदर लोग नोट डाल देते हैं दो दो हजार वाले तो रिया के घर पे जिया ओ जिया तो मिस जिया है इसके घर पे रेड हुई और जब रेड हुई तो इनकम टैक्स वालों को वहां पे एक तो पैसा मिला और पैसा मिला दो करोड़ रुपया कितना पैसा मिला दो करोड़ रुपया पैसा मिला मतलब भाई साहब दो करोड़ देख के इनकम टैक्स वाले पागल हो गए बोले यार कहाँ आया दो करोड़ पैसा मिला वहां पे ज्वेलरी और मिली ज्वेलरी और मिली गोल्ड चेन डायमंड रिंग ऐसी सब ज्वेलरी मिली ज्वेलरी की वैल्यू और दो करोड़ है वहां पे बुलियन और मिला बुलियन का मतलब होता है जो गोल्ड की बिस्किट होती है ना बिस्किट समझते हो आप लोग जिसको लोग कैडबरी बोलते हैं जो लोग पैसे वाले रहेंगे उनको पता रहेगा हमारा काम तो बताना है ठीक है तो जो गोल्ड की बिस्किट होती है उसको बोला जाता है कैडबरी या फिर उसको बोला जाता है बुलियन तो गोल्ड की बिस्किट सिल्वर की बिस्किट मिली वो एक करोड़ की टोटल मिला के पांच करोड़ रुपए का सामान मिला वहां पे पांच करोड़ का सामान मिला जिया को पूछा कि जिया ये कहां से आया कहां से आया जिया ने रिटर्न ही फाइल नहीं किया है ये क्या बोल रहा जिया धड़क जाए धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क, धड़क, धड़क धड़क जाए तो हाँ क्या वंस मोर क्या मैं सारे गाँव में भाव में आया हूं वंस मोर हाँ ये बोलता है जिया जले जा जले, ये जिया बोल रही मेरा एग्जाम्पल क्यों ही लिया था <laughs> तो <laughs> चलिए हाँ हाँ चलो बंदे है हमारे क्लास में संगीतकार एक से एक बंदा है ठीक है तो जिया को पूछा कि ये पैसा कहाँ से लाया था तो जिया बोलती है पैसा ज्वेलरी बुलियन चुप चाप गई पता नहीं हमारे वकील साहब जवाब देंगे ठीक है ऐसा होता है ना मूवी वगैरह में आपने देखा होगा यह बंदा चुप हो जाता है बोलता हमारे वकील साहब जवाब देंगे ठीक है वकील साहब को बोला तुम बताओ बोला हमको <laughs> तो हमको तो ये बोलती थी ये गरीब है <laughs> हमारा तो फीस ही नहीं दिया आज तक करके ठीक है तो यहाँ पे जिया से पूछा गया तो जिया इसकी एक्सप्लेनेशन दे नहीं पा रही है तो जब एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो या एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है सैटिस्फैक्ट्री नहीं है ऐसे एक्सप्लेनेशन दे रहे तो मामा जी है ना रख के गए थे घर पे ठीक है कि मामा जी आए थे मामा जी मामा जी को बोला मामा जी बोलता मेरे को पता ही नहीं कि इतना पैसा है इसके पास तो मामा जी जो है वो भी घुमा रहे मतलब कुल मिला के आप घुमा रहे हो उनको तो उस केस में जितनी वैल्यू रहेगी ना वो वैल्यू को एज इट इज जिया की इनकम मान लिया जाएगा और इस पे जिया को सेवेंटी एट परसेंट टैक्स लगेगा कितना नहीं डेड फादर वो देखते हैं मतलब ऐसा नहीं है कि डेड फादर मान लो जैसे फॉर एन एग्जांपल आप बोलोगे मेरे पर दादा रखे गए थे तो वो पर दादा के नोट दो हजार तो कितने ज्वेलरी भी आपकी ज्वेलरी देखी जाती है कि ज्वेलरी कब बनी थी उनके पास बहुत टेक्नोलॉजी है वो सब देखते हैं कि भाई अगर आपके पास घर में कोई ज्वेलरी का बिस्किट मिला है वो कब बना था वो निकाल देंगे अगर वो सच में अगर मान लो तुम्हारे कोई कुंडल पड़े हैं परदादा के तो वो छोड़ देंगे और उसमें भी एक लिमिट होती है एक होता है एक लिमिट होती है जब भी घर में आपको बताऊं इनकम टैक्स रेड होती है तो एक स्त्री धन करके नॉर्मली एक कॉन्सेप्ट चलता है उसमें क्या होता है लड़की अगर मैरिड है तो उसके पास में 500 ग्राम तक का ज्वेलरी है वो हम छोड़ देते वो उसको टच नहीं करते 500 ग्राम मतलब आधा किलो जु, गोल्ड ज्वेलरी वगैरह हो सकता है और अगर कोई लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई है तो उसके लिए 250 ग्राम का लिमिट है कि 250 ग्राम ज्वेलरी छोड़ देंगे और जो हमारे जैसे बेचारे आदमी लोग हैं भले मैरिड है या अनमेरिड है हमारे लिए डेढ़ ग्राम का ज्वेलरी छोड़ के जाएंगे तो इनकम टैक्स की जब भी रेड होती है तो मैरिड वुमेन के लिए 500 ग्राम का ज्वेलरी छोड़ के जाते हैं अनमेरिड फीमेल के लिए 250 ग्राम और हमारे लिए हम भले मैरिड है या ना है 150 ग्राम हमारे लिए छोड़ के जाते हैं ठीक है थीके? तो मैं आपको अनएक्सप्लेन मनी की बात कर रहा हूं कि अगर आपके घर पे कोई पैसा मिल गया कुछ ज्वेलरी मिल गई कोई बुलियन मिल गया आपसे पूछा गया ये कहां से लाया था आप बोल रहे ठीक है आप सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो इसकी वैल्यू एज इट इज आपकी इनकम मानी जाती है और सेवेंटी एट परसेंट टैक्स लग जाता है अब लिखिए नेक्स्ट सेक्शन सेक्शन सिक्सटी नाइन बी करके सेक्शन सिक्सटी नाइन बी और सिक्सटी नाइन बी में लिखो सेक्शन सिक्सटी नाइन बी में लिखो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट स्लैश असेट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट स्लैश असेट नॉट फुली रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट नॉट फुल्ली रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने हेडिंग दिया अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट स्लैश असेट नॉट फुल्ली रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट यह क्या होता है आपने रिकॉर्ड तो किया है बुक्स में अपनी असेट या इन्वेस्टमेंट को बट पूरा नहीं किया ऐसा कैसे हो सकता है जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं एक बात बताओ आज की डेट में गोल्ड की रेट क्या है गोल्ड की रेट मार्केट में अप्रॉक्स चल रही है सिक्सटी थाउजेंड टेन ग्राम दस ग्राम का साठ हजार गोल्ड की रेट मार्केट में आजकल चल रही है मैंने क्या किया बताए अगर दस ग्राम की साठ हजार रेट है तो एक किलो की कितनी होगी सिक्सटी लैख रुपीज सिक्सटी लैख रुपीज है वो एक किलो गोल्ड की रेट है तो एक किलो गोल्ड है वो साठ लाख में आएगा मैं क्या करता हूं मेरी बुक्स में मैं बोलता हूं कि मैंने एक किलो गोल्ड खरीदा है और मैं बोलता हूं मैंने पच्चीस लाख में खरीदा है देखो लोग कैसे चेटिंग करते हैं मैं एंट्री पास करता हूं मैंने गोल्ड खरीदा और मैं बोलता हूं मैंने पच्चीस लाख में खरीदा है मैं बोलता हूं गोल्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक और बैंक से मैंने पच्चीस लाख का पेमेंट किया अब एक बात बताओ कोई बोलता है कि गोल्ड तुमने बुक्स में रिकॉर्ड किया है या नहीं मैंने तो किया है बट मैंने पूरा रिकॉर्ड नहीं किया मैंने यहां चिटिंग की है मैं बोलता हूं कि मैंने तो क्या किया कि यहां पे एक किलो गोल्ड जिसकी वैल्यू साठ लाख है मैंने पच्चीस लाख में खरीदा है इनकम टैक्स वाले बोले कैसे खरीदा पच्चीस लाख में कुछ भी बोल रहा है कुछ भी फेंकने का ऐसे ही तो उन्होंने क्या किया कि जो उस अट की वैल्यू है और जितनी आपने बुक्स में रिकॉर्ड की है आपने बुक्स में रिकॉर्ड कम की है जबकि उसकी वैल्यू साठ लाख है तो इसका जो डिफरेंस पैतीस लाख रहेगा ना ये आपकी इनकम मानी जाएगी और इस पर आपको सेवेंटी एट परसेंट की रेट से टैक्स लगेगा तो इन सिंपल वर्ड अगर आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट या असेट है उसको रिकॉर्ड पूरा नहीं किया है कम किया है करके ठीक है तो उस पर्टिकुलर केस में जो डिफरेंस रहेगा उस पर आपको टैक्स लगेगा सिक्सटी नाइन सी हेडिंग दीजिए अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर चलो अब किसी और का एग्जाम्पल लेते हैं चुटकी तुम्हारा नाम क्या है खुशबू रितु आर आई टी यू आर आई यू रितु हाँ. अब एक बात समझना अगर ऐसा डाउट है कि रेड हुआ ये सोफा फाड़ा था उसका खर्चा देंगे या नहीं देंगे वो फाइनल में आएगा हाँ एक बार लास्ट में पूछ लेना रह जाएगा नहीं तो हाँ चलो इधर देखो हम बात कर रहे हैं रितु की इधर देखो ओ भैया ऑनलाइन हो भाई साहब इधर देखो हाँ हाँ ऑनलाइन वालों को बोलते सब बोलते हैं फैजान भाई ठीक है फैजान भाई फेमस हो गए इधर देखो पूरे इंडिया में इस बैच का नाम ही लोग बोलेंगे फैजान भाई बैच ठीक चलो इधर देखो अब हुआ क्या एक बंदी है जिसका नाम है ऋतु यह ऋतु 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 दे चश्मा भी बनाओ यहां पे हम चलो यह ऋतु है अब क्या हुआ ऋतु की शादी हो रही है क्या हो रही है शादी शादी मिस मैरिज शादी मतलब मैरिज हो रही है स्वयंवर हो रहा है करके ठीक है अब एक बात समझना ऋतु की जब शादी हो रही है तो ऋतु का एक सपना था कि जो शादी हो बड़ी ग्रैंड शादी हो करके ठीक है लाइफ में एक बार ही तो होती है ठीक है टिके ना टिके बट ग्रैंड शादी होने वाली है तो ऋतु की शादी हो रही है शादी में भाई साहब पानी की तरह पैसे बहाए जा रहे हैं पानी की तरह क्या बहाए जा रहे हैं पैसे पानी की तरह पैसे बहाए जा रहे हैं और जैसे पैसे बहा रहे थे शादी में बहुत पैसे बहाए जा रहे हैं वहां पे मंडप डेकोरेटर बहुत बढ़िया है वहां पे मतलब भाई साहब अलग ही लेवल का डेकोरेशन हो रहा है एक एक थाली है उसका खर्चा पांच पांच हजार रुपए uh, इतनी महंगी लोगों को खाना खिला रहे हैं पैसे ही पैसे ठीक है जोरदार शादी में मतलब जो गिफ्ट दिए जा रहे हैं वो इतना मतलब वो कन्यादान में भाई साहब गोल्ड और ज्वेलरी और पता नहीं क्या क्या दिया जा रहा है इनकम टैक्स वालों को पता चल गया इनकम टैक्स वाले आए दीदी मोबाइल नहीं तो कैलकुलेटर पे क्या दिख रही हो कैलकुलेट करने का तो कुछ था ही नहीं यहां पे भी शादी शादी का खर्चा तो जब इनकम टैक्स वालों को पता चला तो इनकम टैक्स वालों ने अपने रिलायबल सोर्सेस से सब खर्चा निकलवाया कि इन्होंने क्या क्या किया तो पता चला शादी में पांच हजार की थाली थी और कम से कम पांच सौ लोग आए थे तो पांच हजार की थाली पांच सौ लोग कितना हुआ हा? पांच हजार की थाली मल्टीप्लाई पांच सौ लोग पच्चीस लाख तो ये हो गया खर्चा फिर पता चला कि डेकोरेटर वाले से इनकम टैक्स वालों ने पूछा कि भाई तूने मंडप वंडप का कितना लिया था बोलता था बीस लाख तो बीस लाख ठीक है फोर्टी फाइव लाख पता चला दामाद जी को इन्होंने गाड़ी भी दी है बीस लाख की दहेज में गाड़ी भी दी है लाख रुपए उसके बाद पता चला कि वहां पे जो म्यूजिक सिस्टम वगैरह वाला था डीजे वीजे भी था उसका पांच लाख रुपया है. उसके बाद पता चला कि इसको दहेज में और बीस लाख के गहने दिए है करके ठीक है रितु को बीस लाख टोटल मिला के इनकम टैक्स वालों ने पूछा नाइनटी लेगा रितु के पापा को पूछा क्या अंकल जी एक बात बताओ आपने आज तक तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है ठीक है ये नाइनटी लैख का खर्चा किया है पैसा कहां से लाया तो तो पापा बोलते हैं ये तो ऊपर वाले का दिया था ऊपर <laughs> वाले ने दिया था बेटी के लिए बेटी की विदाई पर खर्च कर लिया तो बोला ऐसा नहीं चलता आप बताओ ये पैसा लाया कहां से था तो पापा जवाब ही नहीं दे पा रहे तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर मतलब आपने खर्चा तो किया है बट ये पैसा लाया कहां से था बा, बा। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं ये आपकी इनकम मानी जाएगी और इस टैक्स लगेगा कितने का सेवेंटी तो ध्यान रखना ये शादियों वगैरह में खर्चा करते हो बताना भी पड़ता है ये कहां से लाया था अगर पकड़े गए घर के ठीक है तो इसलिए क्या होता है ना आपने देखा होगा जो नेता लोगों की शादियां होती है ना वो ग्राउंड में की जाती है कभी फाइव स्टार होटल में नहीं करते क्योंकि फाइव स्टार होटल में हर चीज रिकॉर्ड होती है

और मान लो अगर लड़के वालों को पता चल जाए कि इनके यहां तो इनकम टैक्स वाले आ चुके हैं तो बारात लेके ही ना आए कहीं और ही चले जाए और रितु ने हाथ पे मेहंदी लगा के बैठी है ठीक है और भाई सा तो पहले लॉ में क्या लिखा था पता है पहले लॉ में ऐसा हुआ करता था कि शादियों में इनकम टैक्स वाले आ जाते थे फिर अमेंडमेंट कराया क्या यार शादी हमारा एक पवित्र बंधन का रिश्ता होने जा रहा है आप उसमें इनकम टैक्स वालों को लाओगे बारात ही नहीं आएगी करके ठीक है तो इसके लिए फिर गवर्नमेंट ने चेंज किया सीए फाइनल में हम ऐसा पढ़ाते हैं कि रेड वगैरह जब होती है ना तो शादी के टाइम पे कुछ नहीं होगा मतलब शादी फंक्शन सेरेमनी इवेंट जब तक वो पूरा नहीं होता जब तक वो चार लोग लेके रितु को उठ नहीं जाते क्या बोलते उसको? क्या बोलते हो उसको हाँ जो भी जो भी आप समझ रहे हो ठीक है वो चार लोग लेके जब जाते हैं ना क्या बोलते विदाई डोली 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 हाँ डोली तो डोली में जब लेके नहीं जाते तब तक शादी मानी जाती है उसके बाद इनकम टैक्स वाले आ सकते हैं तो जो भी आप खर्चा करते हो आपको बताना पड़ेगा कि वो पैसा कहां से लाया था नहीं बताया तो वो आपकी इनकम मानी जाएगी सेवेंटी एट परसेंट टैक्स लगेगा लिखो सिक्सटी नाइन सी अमाउंट बोरोड अमाउंट बोरोड और रीपेड अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी हुंडी एच यू आई हुंडी अमाउंट बोरोड हा अमाउंट क्या होता है सोना जमीन में मिल जाता है अरे रुक तो जा अभी अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी क्या होता है मैंने बताया नहीं अभी तो ये बोलते हैं कि खेत में घड़ा मिल गया भरा हुआ गहनों से ये सब मूवी में और किताबों में मिलता है आपके खेत में कुछ नहीं मिलने वाला ठीक है अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी हुंडी इसमें लिखिए नेक्स्ट लाइन में इफ एनी अमाउंट इज बोरोड इफ एनी अमाउंट इज बोरोड इफ एनी अमाउंट इज बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी इफ एनी अमाउंट इज बोरोड और रीपेड एनी अमाउंट इज बोरोड और रीपेड लिखा ऑन हुंडी इन कैश इन कैश इन कैश देन सच अमाउंट देन सच अमाउंट शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड इनकम देन सच अमाउंट शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड इनकम ऑफ एस एस सी बी ट्रीटेड एज डीम्ड इनकम ऑफ एस एस सी stop if amount borrowed on hundi if amount borrowed on hundi is already treated as income if amount borrowed on hundi is already treated as income treated as income then at the time of repayment then एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम देन एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम गाइज ये हुडी क्या होता है पता आपको हुडी हुआ हुंडी. यह कहीं ना अभी नहीं होता यह बहुत पहले होता था अठारह सो समथिंग में कुछ होता था आजकल ये प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता

कि मैं आपको आज से छह महीने बाद दस लाख देने वाला हूं यही होता है प्रोमिजरी नोट इसी को बोलते हैं हंडी तो इसने मुझे ये लिख के दिया है अब ये मेरे पास है बट अभी तो मैं एनकेश इसको करा नहीं सकता ये तो छह महीने बाद पैसा आएगा तो मैं क्या करता हूं इसको कहीं पे गिरवी रख के और मैं कैश में लोन ले लेता हूं मैं इस प्रोमिजरी नोट को कहीं गिरवी रख के और मैं कैश में लोन लेता हूं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि अगर आपने कोई अमाउंट बोरो किया कैश में इस हुंडी को कहीं गिरवी रख के तो उस पर्टिकुलर केस में वो आपकी डीम्ड इनकम मानी जाएगी और उस पर टैक्स लग जाएगा ऐसा आजकल की लाइफ में नहीं होता है ये बहुत पहले होता था तो हुंडी को गिरवी रख के आपने कोई लोन ले लिया या फिर लोन लिया था वो तो चेक में लिया था बट पे करते टाइम आपने कैश में पे कर दिया तो कैश में नहीं करना है कुल मिला के को अगर कहीं गिरवी रखे बैंक से लोन लिया तो चलेगा बैंक से लोन रीपे किया तो चलेगा आपने कैश में अगर लोन लिया या कैश में रीपे किया तो ये आपकी इनकम मानी जाएगी और उस पर टैक्स लगेगा सेवेंटी एट परसेंट लास्ट एक लाइन लिखनी है सिर्फ लास्ट लिखिए ये जो सब इनकम है ये कौन सी सेक्शन में टैक्सेबल होती है तो सेक्शन वन वन फाइव बी बी करके लिखिए सेक्शन वन वन फाइव लिखिए अबोव डीम्ड इनकम अबोव डीम्ड इनकम

शैल बी टैक्सेबल एट द रेट सिक्सटी परसेंट प्लस ट्वेंटी फाइव परसेंट सरचार्ज प्लस ट्वेंटी फाइव परसेंट सरचार्ज प्लस फोर परसेंट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इफेक्टिवली इफेक्टिव टैक्स रेट क्या रहेगा 78 परसेंट इफेक्टिव रेट ये बोलता है कैदी हुंडी ये क्या होता है कैदी हुंडी सी ओ oh. गाना है वो तो कुड़ी है ना हुंडी थोड़ी है ओ भाई साहब ये लोग प्रो है प्रो चलिए तो आज अपना लेक्चर थोड़ा थियोरेटिकल था थियोरेटिकली अपन ने डीम्ड इनकम के बारे में जिक्र किया इतना आप रिवाइज करके आइए इसके आगे अपन कल कंटिन्यू करेंगे थैंक्स अलॉट पीपल दैट्स फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड बाय टेक केयर ऑनलाइन वालों बाय